Uh, before starting today's uh, session, very, very important session, so many questions were uh, in my mind, and people were asking from me about the spike proteins. What are the benefits? What were the disadvantages of the benefits? So many uh, videos about the uh, mRNA vaccine. Uh, were there, and I thought that why not uh, I invite uh, Mohib Saeed. Uh, Dr. Mohib Saeed has the honor that he is the only person of the Pakistani even proud of this. That he every day I think he gave the lecture on the new topic after COVID, and then after COVID, he was the first person to uh, talk about. each and every vaccine, not only the vaccine, the synthesis of the vaccine, production of the vaccine, indication and contraindication of this one. So I will request all people to mute your uh, mics and uh, you write the questions on your papers. आप ऐसा करें सवाल लिख लें ठीक है क्योंकि lecture इनका ये ऐसे समंदर बह रहा होगा ना तो फिर समंदर में बहने बहते हुए ना हमें अपना एक क्लास uh, भरना मुश्किल हो जाएगा एंड देन एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड आई थिंक इट विल बी कंटिन्यूड बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशंस आई विल रिक्वेस्ट राशिद साहब प्रोफेसर राशिद साहब प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी रहमान मेडिकल इंस्टिट्यूट्स टू रिसाइट द होली कुरान अच्छा अच्छा जाकर ना आउट बिल्लाह रजीम

सा अंतूश होम वो ताल मफह तर्जुमा है युर बकरा की आयत दो सो सोलह है तुम पर दुश्मनों से जंग करना फर्ज किया गया है और वो तुम पर गरा है और ये मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक हाँ में बेहतर हो और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक हाँ में बुरी हो और असल हकीकत तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते सदाकल मेरा ख्याल ये था कि हमारा जो समा होगा ना सेंचुरी का वो मैं मुबीन साहब को दूँ क्योंकि वी स्टार्टेड अर्ली विद मुबीन साहब जो ये वेबिनार थे दिस वेबिनार वर इन कोलेबरेशन विद साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद वोमन मेडिकल कॉलेज एब्ट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ़ फिजियोलॉजी एंड पाकिस्तान पैथोलॉजिस्ट आई होप द सेशन ऑफ डॉक्टर मुबीन सैयद एंड inshallah at the end we will start discussions over to you dr Mubin sayed thank you so much uh, you need uh, there is no need to introduce Mubin sayed your name is enough for not only us for not only pakistan for all over the world dr Mubin sayed over to you thank you very much assalam alaikum ji and thank you everyone for listening in sunday hai aapka subha ka hai so thank you for having me and thank you for joining for this topic ये जो टॉपिक आज का है दिस इज सच और अ ब्रॉड टॉपिक ऑल द के सर मुलाजिम हुसैन साहब ने जो भेजी थी वीडियो डॉक्टर पीटर मकला की उसमें तो चार पॉइंट्स हैं जो उसने बोले हुए हैं लेकिन जो एमआरएनए वैक्सींस और जो कोविड वैक्सींस और जो इनका इनके जो बेनिफिट्स हैं और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया और अनफॉर्चुनेट के मैं पिछले तीन चार साल से अब इसकी बात रोज कोई एक घंटा दो घंटे बात करते करते मुझे लगता है जैसे मैंने इसमें लॉन्ग कोविड और वैक्सीन इंजरी की स्पेशलिटी कर लिया फेलोशिप कर लिया इसमें तो दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक ये जो डॉक्टर पीटर मुकल्ला ने जो बातें की हुई ये टॉपिक पोलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी है और मेडिकल भी है तो सबसे पहले आई uh, थिंक it, कि मैं इसको बहुत देर से ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि ये हमारे सामने पूरा इसका मामला आ जाए तो लेट मी स्टार्ट विद कॉन्टेक्स्ट अमेरिकन मेडिकल सिस्टम में इसकी अपनी खूबियां और इसकी अपनी खराब खामियाँ भी हैं इसकी ख़ूबी यह कि ये इस सिस्टम में बहुत पैसे डालते हैं इसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो बड़ा अच्छा कमाते हैं जब पेशेंट केयर करते हैं तो पेशेंट्स को टॉप लाइन, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मामला जो हैं वो मिलते हैं जिनके प्रोसीजर्स हैं जो रेगुलेशंस हैं जो रूल्स हैं वो सारी दुनिया फॉलो करती है so there are there is a lot of leadership and innovation and investment that they do तो ये इसकी खूबी है इसकी खामी है कि the decades आहिस्ता जो medical innovation है वो बड़ी pharma के हाथ में चली गई है और उसकी वजह यह कि पैसे उनके हाथ में चले गए और पैसे किस तरह से उनके हाथ में चले गए ये अमेरिका में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है हर इंडस्ट्री का आप अमेरिका की किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां बहुत बड़ी हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और फिर बाकी सब छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं ये बिजनेस वूमेन हैं जो बड़ी कंपनी है उनका मसला ये होता है कि दे हैव टू अर्न एंड एवरी ईयर दे हैव टू शो ग्रोथ अगर मैंने इस साल एक बिलियन डॉलर्स कमाया कंपनी के लिए तो लोग मुझे ये नहीं कहते कि अगर अगले साल भी एक बिलियन किया तो ठीक है वो कहते हैं एक बिलियन दस क्यों नहीं किया तो यहाँ पर हर वक्त ग्रोथ की रेस लगी होती बड़ी कंपनियाँ उसको इस तरह से हैंडल करती हैं कि वो जाकर तो जो कांग्रेस है जो लॉ मेकर्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ वो अपने रबते बनाते हैं उन रबतों के थ्रू वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जिसको हम यहाँ पे लॉबिंग कहते हैं लॉबिंग भी एक तरह से ऐसे ही है जैसे लॉ मेकर्स को जाके पैसे खिलाना या उनके जो वो इलेक्शंस होते हैं उसमें पैसे डोनेट करना उनको सपोर्ट करना मेरी नज़र में जि जिन चीज़ों को दूसरे मुल्कों में हम ब्राइबरी कह देते हैं वो यहाँ पे ये लॉबिंग कहलाती सो so, बड़ी कंपनियां लॉबिंग करके तो लॉज इस तरह के बनवा लेती हैं कि कोई और कंपनी छोटी कंपनी का ग्रो करना मुश्किल हो जाता है वो उन तमाम रेगुलेशन से पूरा नहीं उतर सकता अगर आप उसको दुनिया के लेवल पे देखें तो इवन दुनिया के लेवल पर सीडीसी और एफडीए सारी दुनिया इनके पीछे चलती है और उसका वो चलाने का तरीक़ा क्या है कि जब सीडीसी और एफडीए कुछ यहाँ पे करता है कोई रेगुलेशंस देता है तो जो इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो सारी दुनिया में उन्हीं रेगुलेशंस के मुताबिक काम करना शुरू कर देती प्लस पूरी दुनिया में इनकी जो मेडिकल सिस्टम का इफ़ेक्ट है जो परसेप्शन है वो ये है कि अगर कोई मुल्क ना भी चाहे तो उस मुल्क का जो मेडिकल सिस्टम वो जनरली सी और एफ को फॉलो करता है। मुझे याद है कि कोविड के शुरू के दिनों में जब हम लोगों ने कोविड की डिस्कशन शुरू की तो पाकिस्तान में भी कोविड को कैसे मैनेज किया जाए उसका तरीका इतना इवॉल्व नहीं हुआ था पूरी दुनिया में इवॉल्व नहीं था इवन इट वॉज नॉट इयर बट एज वेरियस स्ट्रैटजीज स्टार्टेड अपरिंग आई रिमेंबर आई यूज़ टू स्पीक विद सम फ्रेंड्स इन पाकिस्तान टू से प्लीज यूज़ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एंड दे टू से देर सी डी सी दिस डिड योर एफ डी दिस इफ दे डिड नॉट वी विल नॉट डू इट सो so, इस सिस्टम की खूबी यह है कि इसने अपने आप को पूरी दुनिया का लीडर बना के रखा हुआ इसकी खामी यह है कि जहां पर पैसा है वहां पर कोई भी ह्यूमैनिटी का बेनिफिट या लॉस का ख्याल नहीं है इस सिस्टम में कहा तो वो जाता है, वी आर वेरी वेरी केयरिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स लेकिन जो ही अमेरिका के सिस्टम में इफ यू पुट मनी एन वेल जो कोविड वैक्सीन हैं अब मुझे इसको कोविड को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए और कोविड वैक्सीन को पढ़ते और पढ़ाते हुए तकरीबन अगर मैं अपने ड्राइव uh, के उस फोल्डर में जहाँ पे मैं स्टडीज को रखता हूँ और पढ़ता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ कोई दस हज़ार से ज्यादा स्टडीज को मैंने पढ़ा है और उसमें से सोलह सौ सो स्टडीज को सिलेक्ट करके पढ़ाया तो जो वेव्स जो इसकी तरीका बना था वो ये था कि कोविड आया तो पहले तो हमें यह नहीं पता था ये बीमारी इतनी सवियर क्यों हो रही है तो उस पर रिसर्च शुरू हुई उसके साथ स्टैट्स आने शुरू हुए हम, हम सभी मौजूद थे उसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ मैनेजिंग द पेशेंट्स जिसमें कभी कहा गया मास्क लें कभी कहा गया मास्क ना लें कभी कहा गया कि पेशेंट को प्रोन कर दें कभी कहा गया ना करें बिकॉज वी ऑल डिड नॉट नो रियली वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू आइवराम आई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई एजिथ्रोमाइसिन आई उसके बाद वैक्सीन्स आई वैक्सीन्स आई और उसमें दो जो हमारे लिए यहाँ पे यूएस में दो मेन थी एक थी एडनो वायरस बेस्ड वैक्सीन उक्स, और दूसरी थी मैसेंजर बेस्ड अगर आप पाकिस्तान में या चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन भी थी देर नेजल स्प्रेज एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ जिनका कोई किसी ने उसको नहीं किया टच नहीं किया So U.S. Ke point of view say adenovirus based vaccines or messenger RNA-based vaccines. Why? Per vaccines ka administration I, whose administration may on the table reactions bi allergic reactions pro, uh, anaphylactic reactions. whose vaccine say benefits bi And then we started talking about the benefits and, and, the, and the side effects that were occurring.

Adenovirus based vaccines are causing clotting. When messenger RNA based vaccines started, now please understand the geopolitical part of this as well, because this topic cannot be without politics. Adenovirus based vaccines were invented by UK, Britain, not the platform, but the COVID vaccine. The partner in that vaccine to manufacture this is india astrazeneca so that is one group now within europe uk doesn't see eye to eye doesn't see very friendly towards germany and france so there is an internal friction there messenger-based mrna-based vaccines invented by the turkish scientists for moderna the, the husband and wife couple created by moderna and then uh, the other one pfizer biontech biontech was the turkish one so messenger rna based vaccines were more uk uh, sorry us based vaccines so there was an inherent difference between these two uh, therapies for us us was going to promote its own vaccine and that is mrna vaccine UK was trying to push adenovirus-based vaccine. In the US, we didn't get Astra, uh, Oxford AstraZeneca. Instead, we got Johnson & Johnson, which was also adenovirus-based vaccine. So we started talking about the, the benefits of it as they are administered, the doses, the distances between the doses, the efficacy, and then the drop of the efficacy, and the need for boosters or not for boosters. Then the variant started changing. And then, according to the variant, do we upgrade the vaccine or do we not upgrade the vaccine? So, this happened in front of all of our eyes. In the middle of this, all there were certain things that were wrong by CDC and FDAs of, of the US. That was, as the vaccines were being given, there were no Processes to collect the side effects focused on the vaccine administration and its results. We have a system in the US, we call it VAERS, V A E R S, Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. In the VAERS system, if I get a vaccine today and I got an adverse event, Myself or my doctor can go and enter a record to say Mubin received this vaccine on this date. This was the dose. This was the type of vaccine. And here is the re reaction he got. The problem is that the WARES system can be updated by anyone. So you can add to it. I can add to this. My wife can go and add to this. My child can go and add to it. My doctor can go and add to this. So, जब एक वैक्सीन में आपको पता है कि ये जो वैक्सीन है कोविड की इस पे ओवरऑल तीन ट्रिलियन डॉलर्स का बेनिफिट हुआ है जो कंपनियों ने इन्हें सेल किया है और जो कंपनियां इसके प्रोस प्रोसेस में जो एक जगह से वैक्सीन उठाई और दूसरी जगह पहुंचाई और वहाँ पे एडमिनिस्टर किया वो सारे प्रोसेसेस लॉजिस्टिक्स एंड दैक्सन इट लोगों तक पहुंचाने और उनको देने में Three trillion dollars' ka on ne benefit liye. So I think you could agree that they could have a better system to look at the vaccine side effects. But they left it with wares They said if you have a side effect, please report it in VAERS. Now, if you Google about the VAERS system and its benefit you will find two types of opinions you will find people who will say wares cannot be trusted because people can put whatever they want you will also see another group of people who will say wares is actually very good and it actually under reports but it can be trusted and there is a 10% under reporting meaning I got the vaccine side effect. I just did not bother to go put it in wares. In my opinion, our country, US, did not create any robust system to collect the side effects because it was easy to dismiss wares. If you put your record in wares, if you, let's say, you got a side effect. You went in and you said I had palpitations after after the vaccines, and they can simply say, you know what, you are nobody to assess your own self. Maybe you had palpitations because you were nervous, so they can just dismiss this easily. I think because of that, they never actually put in something robust to collect the side effects. Then.

get CDC or FDA the problem is those who are sitting at the heads of CDC and FDA, those who are at the top of these agencies when they will finish their careers at CDC or FDA they will go and they will join a pharma company and they will become a leader there with heavy beautiful salaries and now they would become a lavish rich person so cdc and fda never confronts pharma and in case of covid vaccines pharma companies especially the moderna and pfizer biontech they knew we are going to make a lot of money but they were also afraid that these are new therapeutics we have no idea what will happen so they had indemnifications written meaning they had protections written by governments to say if something happens you are allowing us to administer this new therapeutic, we cannot be held accountable. One way to solve that was to not talk about the side effects at all. If you go to the official CDC or FDA sites and you try to find the side effects of the vaccines, you would see a continuous approach of saying no effects.

definition of rare could be done but they never did it the reason for them not doing it is as soon as you start quantifying the side effects for a vaccine you make the pharma company liable agar aaj cdc ya fda kehta hai ki ke vaccine mein masla hai toh uski jo liability jaati hai wo pharma company par hai. यूएस के लोगों की आदत है कि वो उसको अपना नेबर का चलना अच्छा ना लगे तो वो जाके कोर्ट में सू कर देते हैं। आज अगर सीडीसी और एफडीए ये मान लें कि कुछ वैक्सीन में मसाइल हैं तो मुडरना और फाइजर एक मिनट में सू हो जाएंगे और बिलियन ऑफ डॉलर के लॉस उठ हो रहे सो so, इन लोगों ने ये रूल रखा हुआ है कि हमने इसकी बात करनी ही नहीं सो दिस इज वन साइड ऑफ दिस स्टोरी The other side of the story is that during this time, a number of false prophets started talking with people. When CDC and FDA, uh, uh, Mulazim Saab is here, he would probably remember that. I used to say that CDC and FDA is not taking a leadership role, they're not becoming the leaders. Because they're not collecting the opinions of everyone. They're not just like this right now. We are sitting together and we are discussing this. Do you think that CDC and FDA could not do this? That they could have the doctors and researchers sit down with them and say, okay, how is the vaccine going? When they left this leadership role, then started false prophets, people who were making incorrect messages. I don't want to call it misinformation or disinformation because these words are too much beaten up, but people who were just making false statements. I remember when this started, the vaccines. I can actually tell you the people who started it and the names of them. So, the very first two people who started this discussion was one of them was Dolores. Her, her name is Dr. Dolores Cahill. She was an Ireland's microbiologist who was then fired from her university. She said that messenger RNA vaccines will become integrated in the genome of her DNA and it will make us a modified uh, organ or tissue. And as soon as we will get actual virus in our body, this modified tissue this is a stupid theory so my apologies if it doesn't make sense but that's how she did it if this modified tissue would now be um, attacked by an immune system and will die so she first said that in 22nd of march people would start dying dr. nobody started dying dr mubin dr Mobin, sorry coach loga saba jinko angrezi shama jani yari hamne aaj kliyman kili lecturer katha सारे लोग है, तो मैं, उर्दू, you, है. You, okay. बहुत है, अच्छा. उर्दू समझ में अगर कुछ मु नहीं मिलते रवानी नहीं रही मेरी ठीक तो है कोशिश करूंगा फिर उसको अच्छा ये आयरलैंड की माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी डोरेस काहिल उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जो हमारा सेल है और उसके अंदर जो डीएनए है, तुम्ण है, तुम्ण है, तुम्ण है, तुम्ण है जर आरएनए रहे उसको चेंज कर देंगे और हम एक मॉडिफाइड बन जाएंगे ह्यूमन और जब हम पर एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ वायरस को नहीं अटैक करेगा हमें भी अटैक करेगा और हमें मार देगा ये उसने शुरू की बात और कहा कि 2022 के मार्च तक यानी एक साल आफ्टर द वैक्सीन लोग मरने शुरू हो जाएंगे इसके साथ एक और बंदा आया जर्मनी में वायरोलॉजी की लैब का हेड था जो वहाँ का एक वेटनेरियन डॉक्टर था जो वहाँ पे ग्रो करते हुए अपने रैंक्स में फाइनली वन की वायरल वैक्सीनोलॉजी में हेड बन गया उसका नाम है डॉक्टर गियर्ट गियर्ट ने यह कहना शुरू किया कि जब आप ये वैक्सीन देते हैं तो जो वैक्सीन है वो हमारे इनेट आर्म को हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देती जब हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाता है तो उसके बाद हम मर जाएंगे ये गियट का मैसेज आ गया गियर्ट उसका नाम है डॉक्टर का और ये अगर आप चाहें तो प्लीज लिख लीजिए इन्हें देखें मैं मेरे पास मैं जरा जल्दी से अप, आपको स्क्रीन भी अपनी एक मिनट के लिए शेयर करके दिखाऊं कि मैं बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ भी

कि ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से तुम्हारा टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो मैं भी ये कहती हूँ उसने भी कहना शुरू कर दिया कि जी वैक्सीन आप लेंगे तो आपका डीएनए मॉडिफाई हो जाएगा आप एक अजीब सा टिश्यू बन जाएंगे और आप तबाह हो जाएंगे रिजल्ट ये हुआ कि डॉलोरस को भी और गियर्ड को भी और टेंट पैनी को भी बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो गए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नॉन प्रॉफिट होती हैं उनका काम होता है कि वो जहां पे देखती हैं कि कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करती हैं अब वो, वो उस पैसे को गलत भी इस्तेमाल करती हैं उस पैसे को सही भी इस्तेमाल करती हैं बस उसका सोसाइटी के अंदर वो मसला खड़ा करने के लिए किसी ऐसे को पैसे देने लग जाते हैं जैसे टेन पैन डॉलर इसके साथ एक तो ये ब्रीड बन गई डॉक्टर्स की जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन तबाह कर देंगी दूसरी तरफ सीडीसी और एफडीए बैठा हुआ है कुछ जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है तो अब आप सोच सकते हैं कि ट्रूथ जो है सच जो है वो कहीं दरमियान में होगा कि वैक्सीन एक थेरापूटिक है एक दवाई है उसका फायदा भी होगा और उसका नुकसान भी होगा तो मैं आज आपके सामने ये, इस ये पोलिटिकल कॉन्टेक्ट के बाद एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या नुकसान आते हैं इसके मसेंजर आने वैक्सीन के अच्छा जब इन तीन लोगों ने यह करना शुरू किया तो फिर बहुत सारे और डॉक्टर्स इसमें शामिल हो गए uh, मैं उनके नाम डॉक्टर रायन शामिल हो गया डॉक्टर पॉल मैरिक शामिल हो गए डॉक्टर पियर कोरी शामिल हो गया उसमें ये डॉक्टर पीटर मकल्ला डॉक्टर रॉबर्ट मलोन ये लोग शामिल हो गए डॉक्टर uh, भट्टाचार्या uh, ये जो आजकल नया एक uh, विनय प्रसाद और एक यूके का डॉक्टर है मुझे उसका नाम भूल गया है इंडियन डिसेंट का डॉक्टर है यूके का इन लोगों ने कोई दस बारह लोग हैं इन लोगों ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि जब वैक्सीन किसी को लगेगी तो वो दबाव बर्बाद हो जाएगा उसका जिसम टूट जाएगा उसका हार्ट ख़राब हो जाएगा उसका ब्लड ख़राब हो जाएगा उसकी आ, वो मर जाएगा किसी वक़्त भी अब इसके दौरान एक रियलिटी भी हो रही थी वो रियलिटी हो रही थी कि कुछ लोगों को जब मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगती है तो उन लोगों को वैक्सीन इंजरी हो जाती है यानी उनको वाकई नुकसान होता है वैक्सीन से और उनके हार्ट को नुकसान होता है और उनके ब्रेन को नुकसान होता है और जिन लोगों को एडनोवायरस बेस्ड वैक्सीन लगती है उनको ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये एक्चुअल फैक्ट्स भी हैं और इसकी स्टडीज भी आनी शुरू हुई तो आप अपने जहन में किसी भी मेडिसिन को लाएं तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है तो फर्ज कीजिए कोई मेडिसिन ए का कोई साइड इफेक्ट है बी अगर आप ये कहें कि वो साइड इफेक्ट हर एक को हो जाएगा तो वो गलत है अगर आप ये कहें कि साइड इफेक्ट किसी को नहीं होगा तो वो भी गलत है जो ट्रूथ है वो होगा कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होंगे कुछ को नहीं होंगे अब हमारे जिन लोगों ने मजर करना था सी डी सी ने जिनका काम था कि ये देखें कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं और किन को हो रहे हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे और जो लोग साइड इफेक्ट्स का गाना गा रहे थे वो वो थे जिनका अपना इसमें मकसद था अब वो मकसद क्या था डॉक्टर पीटर मकला जो है कार्डियोलॉजिस्ट है अब इसका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया हुआ है वो अपील में है इस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट है और इसकी एक अपनी कंपनी है वेल्बींग कंपनी वो कहते हैं इसका नाम है वेल्बींग कंपनी उसमें मिलियन ऑफ डॉलर का कारोबार होता सो मक्ला लोगों को जब डराता है तो उसके रिजल्ट में लोग फिर इसके पास आते हैं कि हम अब अपने आप को क्या करें मैंने तो वैक्सीन लगवा ली अब तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा मेरा हार्ट तबाह हो जाएगा मेरा ब्लड खराब हो जाएगा मेरा ब्रेन खराब हो जाएगा तो उन्हें कहता है मैं आपको डिटॉक्स कर देता हूँ डिटॉक्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अगर आप लिखें गूगल में वैक्सीन डिटॉक्स तो बड़े लोग आ जाएंगे डिटॉक्स कर देता हूँ जी मैं आपके मैं ये जहर निकाल दूंगा मैं आपको दवाइयां देता हूं मैं आपको तरीके बताता हूं ये निकल जाएगा उसके लिए ये कहना पहले जरूरी है कि वैक्सीन आपके जिसम में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और ये आपको तबाव बर्बाद करेगी अब का जो बिजनेस है वो दस गुना हो गया हुआ है जब से उसने ये करना शुरू किया हुआ जो डॉलरस काहिल है उसकी यूनिवर्सिटी ने उसे निकाल दिया तो यूरोप की कुछ नॉन प्रॉफिट्स ने उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए कि वो अपना मैसेज जारी रखे डॉक्टर यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया जो वैक्सीन की लैब की हेडिंग करता है जर्मनी में उन्होंने निकाल दिया इस वक्त वो भी मिलियनर बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो मैसेज अपना कंटिन्यू कर सके इसी तरह से और ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक शख्स है स्टीव कर्श स्टीव कर्श मेडिसिन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भी चैनल पे आ चुके इनमें से अक्सर लोग मेरे साथ भी बात कर चुके हैं मैं आपको कुछ की साथ तो अपनी तस्वीरें भी दिखाऊंगा स्टीव कर्श मेरे चैनल पे आके भी बोला हुआ है पॉल मैरिक भी बोला हुआ है पियर कोरी भी बोला हुआ है मेरे साथ अब ये अ, हमारे मेरे लिए खुशी की बात है मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि हम पाकिस्तानी पीछे रह जाते हैं अपने आप को कंट्रीब्यूट करने में तो वैक्सीन और कोविड की और लॉन्ग कोविड और वैक्सीन इंजरी की जो स्टडीज़ और डिस्क्रिप्शन और जो प्रजेंटेशन हैं उसमें आई एम वन ऑफ़ द टॉप प्रजेंटर्स इन द वर्ल्ड चुनाचे इनमें से अक्सर लोग मेरे साथ या तो कहते हैं जी डिबेट करो हमारे साथ और या फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ मेरे साथ डिस्कस करो इनमें से अक्सर लोगों ने मेरे साथ डिस्कशंस की स्टीव कर्श सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने कहना शुरू कर दिया जी कि वैक्सीन आपको मार देगी वो विद इन टू ईयर्स मर जाएंगे आप उसके पीछे लोग लग गए कि अच्छा अब आपको कोई बार बार आके कहे कि आपने वैक्सीन लगवा ली अब आप मर जाएंगे तो अब ढूंढना शुरू कर देंगे ना कि अब मेरे पास इसका हल क्या है वो लोग उसके पीछे लगे कि अच्छा अगर तुम्हें ये पता है मर जाएंगे तो तुम ये भी बताओ कि अब ठीक कैसे होंगे तो उसने वो उनको अजीब बातें बतानी शुरू कर दी कि ये खा लो वो खा लो करक्यूमिन खा लो फ्लान कर लो उस बंदे की राइटिंग्स खाली राइटिंग जो आर्टिकल डालता है डेली नया डराने के लिए खाली उसकी राइटिंग से चार मिलियन डॉलर साल का कमाता वो तो अब एक तरफ ये आगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आके जो मर्जी कहने वाले जो कॉन्स्पिरेसीज़ बनाने लग गए साजिशें की बातें करने लगे एक तरफ गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज बैठी हुई है आंखें बंद करके कि बस वैक्सीन लगाते जाओ सब ठीक है और एक है दरमियान में रियलिटी और रियलिटी ये है कि एडनो वायरस बेस्ड वैक्सीन लगवाने वालों में फिफ्टी ईयर से ऊपर की औरतों में कुछ परसेंटेज को ब्लड क्लॉटिंग होती है और शुरू में चूंकि जु, ये पता नहीं था तो कुछ लोगों को जब क्लॉटिंग हुई तो वो वो औरतें मरी भी लेकिन बाद में ने ये बात समझ आ गई कि अच्छा क्लॉटिंग होती है तो फिर उन्होंने साथ में उनको फौरी तौर पे प्रिपेयर होना शुरू कर दिया वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है कि यंगस्टर्स में मायोकार्डिटिस करती है बूढ़े लोगों की नस्बत ज्यादा यंगस्टर्स में अब आप हैरान होंगे कि

तो वो जब उसे अटैक करता है अगर अटैक करता है तो फिर यंगस्टर्स के हार्ट को ज्यादा नुकसान हो सकता है बूढ़े की नस्बत क्योंकि जो ज्यादा जरा सी एज में जाता है उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो ना वो इतना अच्छा काम करता है ना वो इतने जोर से अटैक करता है ना ही उनको ज्यादा नुकसान होता है इसलिए मायोकाडाइटस की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो यंगस्टर्स में ज़्यादा है सो so, ये सच है कि गिया सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ग्यम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके किसी एक एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती तो वो डिपेंड करता है किस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है उसके मुताबिक जो बॉडी का एरिया है उसमें सेंसरी पेरस्थीजिया पिन एंड नीडल्स और सेंसेशन इस तरह की आ जाती है बस उसका तो मूवमेंट करने में जरा मुश्किल हो जाती है और अक्सर पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं विद इन अ कपल ऑफ वीक्स कुछ नहीं ठीक होते ये भी उसका साइड इफेक्ट है न्योलॉजिकल so, सिंड्रम्स है मायोकोडाइटिस है, है मैं भी आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्यों है वट इज द रीजन ये होता क्यों है और कैसे हम अपने आप को इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अब हुआ ये कि जो लोग असल में इंजर्ड हो रहे हैं इस वक्त भी यूएस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने इंजर्ड हैं कि वो दो दो सालों से अपने कमरे के बेड में से उठ के बाहर नहीं जा सके जब से वैक्सीन लगवाई हुई उन्होंने लेकिन ये जो बारह 13 फॉल्स प्रॉफिट पता नहीं सर जी फॉल्स प्रॉफिट को उर्दू में हम क्या कहेंगे गलत बयान करने वाले लोग ये जो गलत बयानी वाले दस बारह लोग हैं इन्होंने इतना गंद डाला है कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो छुप गई है और जो इस तरफ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं सीडीसी एफडीए गवर्नमेंट अब अगर कोई भी ये कहता है कि जी मुझे वैक्सीन से इंजरी हुई है तो वो कहते हैं यार तुम तो गलत बयान करने वाले बंदे हो तुम उनके ग्रुप के लोग हो जो वैक्सीन को समझती बुरी हैं चुनाचे जिनको एक्चुअली नुकसान हुआ है उनको फ़ायदा देना उनको बेहतर करने का कोई सोच नहीं रहा यहाँ पे यूएस में जो सिस्टम है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मुझे कुछ होता है तो मैं इंश्योरेंस में महीने की लेता हूँ मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ जी ये इंश्योरेंस है ये मुझे बीमारी है वो मुझे उसकी दवाई देते हैं आप अगर जाकर अस्पताल में कहें कि जी वैक्सीन लगी थी उसके बाद मैं इंजर हुआ हूं तो आपको वो पैसे इंश्योरेंस नहीं देंगे जी आप झूठ बोल रहे हैं वैक्सीन से ऐसे होता नहीं आप कहते हैं जी होता है मैं इसका मिसाल हूं मुझे हुआ है वो कहते हैं जी सीडीसी और एफडीए कहता है ये नहीं होता चुनाचे ये नहीं होता हम आपके इस इलाज के पैसे नहीं देंगे आप अपनी जेब से करें तो आपने पाकिस्तान वगैरह में तो देखा होगा कि लोग जब अपनी जेबों से इलाज करते हैं तो तबाव बर्बाद हो जाते हैं यहाँ पर पहली मरतबा इनकी हिस्ट्री में लोगों को अपनी जेबों से पैसे खर्च करके तो जब इलाज कराना पड़ा है, तो लोगों के घर बिक गए वैक्सीन इंजरी के, के बाद और जब वो जाके किसी को कहते हैं कि वैक्सीन इंजरी हुई तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि यार वैक्सीन इंजरी तुम तो वो थ्योरिस्ट लोगों के साथ हो तो मैं ये हमेशा यहाँ पर ये बात करता हूँ जब मैं अपनी टीचिंग्स करता हूँ कि जो कॉन्स्परेसी थ्यूरिस्ट हैं जो ये साजिशें बनाने वाले हैं उन लोगों ने जो नुकसान किया है वो ये किया कि जो वाकई इंजर्ड है वो भी अब डिसमिस हो जाते तो ये तो है इसका जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या असल में वैक्सीन नुकसान करती है और अगर करती है तो उसकी क्या वजह है अगर इफ यूर रेडी तो आई को सम्मेल शो लेट्स स्टार्ट क्विक नजर अगर मारू कमेंट्स में देख रहा कि देर आर प्रोफेसर डॉक्टर सलमा कहती हैं सो इज इंट दाइनीज टेक्नोलॉजी द बेस्ट टाइम टेस्ट एंड रिलेब So, जो वो है इनएक्टिवेटेड uh, वायरस inactivate, की अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई डेटा नहीं है ना यूएस में उन्होंने आने दी ना ही हमारे पास कोई डेटा है क्योंकि चाइना ने तो डेटा डिस्क्लोज किया ही नहीं तो चूंकि डेटा नहीं है तो आई कैन नॉट रियली से कि वो अच्छी है या वो बुरी है उसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हैं जो मैसेंजर आरएनए और एडनोवायरस बेस की वैक्सींस हैं उनके कम से कम हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की स्टडीज तो मिलने शुरू हो गई तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छी है या नहीं बिकॉज़ वी एक्चुअली डोंट हैव द डेटा आईफोन कहता है अस्सलाम वालेकुम व्हाट अबाउट पाकिस्तानी पीपल सो so, uh, प्रोफेसर राशिद महमूद साहब कहते हैं प्लीज टेल समथिंग अबाउट राशिद साहब ने पूछा है जी

हमने इसके ऊपर कुछ केमिकल्स इस तरह से डाले कि इसकी इसके टुकड़े हो गए या हमने इसका डीएनए आरएनए को डैमेज कर दिया कि ये अब कुछ और कर नहीं सकता लेकिन जब हमने इसके इन टुकड़ों को और इनएक्टिवेटेड वायरस को इंसान के जिसम में एंटर किया तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस की जो प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट अटैक करना सीखेगा एटिनट वायरस का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि इस वायरस की वैक्सीन में हम खाली स्पाइक प्रोटीन के हिस्से नहीं डालते बल्कि हम जो वायरस के अंदर इस वायरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन है उसके अलावा वायरस के अंदर ऑफकोर्स इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम एनवेलप कहते हैं और उसके अंदर आर है उसके ऊपर एन प्रोटीनस हैं और इसके अलावा एम प्रोटीनस हैं इसके uh, हिस्से यानी इसके बहुत सारे हिस्से इट इज सीन के अगर जो दूसरे हिस्से हमें दिए जाएं और हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ रिएक्ट करना सीख ले यानी वैक्सीन की तरह तो उन हिस्सों का नुकसान हमें कम है कंपेयर टू कि अगर आप खाली स्पाइक प्रोटीन ही देते जाए तो जो मेरा मैकेनिज्म के पॉइंट मेरे पास डेटा नहीं है चाइना डर डेटा अगर आप मैकेस्टिकली बात, बात करें तो इन थ्योरी ठीक है एम आर एन ए और एडनो वायरस अब इन दोनों में क्या अब मैं तीनों को कंपेयर करता हूँ आपके सामने जो तो है इनएक्टिवेटेड वायरस लेट से उसमें एक हिस्सा स्पाइक आ गया कुछ एन प्रोटीन्स आ गई कुछ एम प्रोटीन्स आ गई कोई मेम्ब्रेन के हिस्से आ गए ये सारे टुकड़े हमने डाल दिए किसी इंसान के जिसम में और उसके इम्यून सिस्टम ने इसको देखा और कहा कि अच्छा ठीक है मैं इनके खिलाफ सीख लेता हूँ तो थोड़ी सी स्पाइक प्रोटीन गई बाकी हिस्से भी इसमें शामिल है मैसेंजर आर एन ए वैक्सीन में ना सिर्फ ये कि मैसेंजर आर एन ए हमने भेजा बाहर से जो उस इंसान के सेल में चला गया सो ये फर्ज कीजिए हमारा मसल में टीका लगा तो मसल का सेल है उसके सेल में चला गया फिर इसने स्पाइक प्रोटीन्स बनाई कितनी देर बनाई कहा यह गया था दो दिन लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्टडीज़ मौजूद हैं मैं जल्दी से आपको स्टडीज़ की शक्ल दिखाता हूँ हमारे पास स्टडीज मौजूद हैं जो दिखाती हैं कि ये देखिए इम्यून इम्प्रिंटिंग ब्रेथ ऑफ वेरिएंट रिकॉग्निशन एंड जेमिनल सेंटर रिस्पांस इन ह्यूमन SARS को टू इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन इसमें अगर आप लफ्ज ढूंढने ना वीक्स या मंथ्स तो परसिस्ट फॉर वीक्स और ये इसमें ये लिखा हुआ है कि दो दिन नहीं एक्चुअली 3 3 महीने वैक्सीन हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर बैठी रहती है और स्पाइक्स बनाती रहती अब हो सकता है कि फ्यूचर के स्टडीज एंड तीन महीने नहीं छह महीने या साल या जिन लोगों को इंजरी हुई है उसमें हमेशा अब यह चीज क्लियर नहीं है ख्याल ये था दो दिन बाद ये खत्म हो जाएगी वैक्सीन उसने वो स्पाइक प्रोटीन बना दिया चला गया लेकिन यह भी ये इतना डेंजरस काम नहीं है जो मैं भी आपको एक और दिखाऊंगा सो मैसेंजर आर में एक तो मैसेंजर आर आया दूसरा इसने वैक्सीन के लिए स्पाइक प्रोटीन बनाई बहुत सारी स्पाइक प्रोटीन्स बना दी इन स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट किया तो ये हो गई मैसेंजर मैसेज इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं और बात करूंगा तीसरा जो वैक्सीन का स्ट्रक्चर है वो है एडनो वायरस बेस्ड वैक्सीन एडनो वायरस बेस्ड वैक्सीन में हमने क्या किया कि एक ये मैंने अच्छा नहीं बनाया लेकिन चले ये ये एक एडनोवायरस लिया एडनो वायरस कॉमन कोल्ड का वायरस है हम सबके अंदर आ चुका हुआ है किसी ना किसी वक्त इस वायरस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर वायरस की जो सार्स कोव टू है सार्स कोव टू की स्पाइक प्रोटीन के हिस्से भी डाल दिए उसका भी जेनेटिक मटेरियल डाल दिए ये वायरस जब हमारे वैक्सीन की तरह पे हमारे जब मसल में इंजेक्ट हुआ तो होता यह कि हमारे सेल के अंदर ये वायरस क्या फिर ये जाकर तो लग जाता है हमारे डीएनए के साथ फिर जो ये लेकर आया है वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन का आरएनए एन या डी वो इंजेक्ट कर देता है हमारे डी में फिर हमारा डीएनए से आरएनए बनता है और फिर स्पाइक प्रोटीन बनती है और स्पाइक प्रोटीन बाहर आ जाती है फिर उसको हमारा इम्यून सिस्टम देखता है और उसको रिएक्ट करता है ये इन तीन वैक्सीन की टाइप्स हैं और इनके अब मसाइल क्या ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का ये बड़ी देर से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है सो so, जिन लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन ली है मेरी नज़र में उनको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाइनीज वैक्सीन के अंदर क्या था इनएक्टिवेटेड वायरस था इनएक्टिवेटेड वायरस के अंदर बहुत थोड़ी स्पाइक प्रोटीन थी और बाकी हिस्से भी थे सो इट्स नॉट एज डेंजरस ए प्लेटफॉर्म और मैंने जितनी अपने तौर पे डिस्कशंस की हुई अपने दोस्तों के साथ मुझे चाइनीज वैक्सीन वालों के इतने साइड इफेक्ट्स कभी सुनाई नहीं दें मैसेंजर आ रन का मैं आपको आप दिखाता हूँ फिर ये इसका एडनो वायरस का मैसेंजर आ रन सबसे नई टेक्नोलॉजी और अमेरिका में बनी हुई टेक्नोलॉजी है सुना चाहिए अमेरिका ने आंखें बंद की हुई हैं कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है हमारा सीडीसी और एफडीए ने आंखें बंद की हुई कि हमने कभी दुनिया को नहीं कहना कि इसमें कोई गलती हो सकती है क्योंकि आँख की बनी हुई चुनाचा ये यहाँ से आपको ये मिले कि इसमें कोई खामी है वो तो कभी नहीं होगा तो आपको या तो आवाज़ें मिलेंगी पीटर मकला जैसे लोगों की जो कि बिल्कुल ही हक को तोड़ मरोड़ देते हैं या आपको स्टडीज़ मिलेंगी तो मैं आपको एक दो स्टडीज दिखाना चाहता हूँ स्टडीज़ जो हैं वो भी डिपेंड करता है जर्नल कैसा है लेकिन मैं आपको अच्छे जर्नल्स की कुछ स्टडीज़ दिखाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी जो अभी आई है इसकी डेट देखिए 22 दिसंबर 2023 अभी आई है आज के आज 6 जनवरी हमारे पास तो ये 22 दिसंबर आठ 10 दिन पहले की बात है ये 15 दिन पहले की बात ये कहते हैं जी प्रेडिक्टेड रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर पेंडेमिक ड्यू टू पर्सिस्टेंट सार्स कोविट इन्फेक्शन दैट इज वन इसके साथ एक और स्टडी आई Researchers future mRNA therapeutics to prevent potentially harmful अब इसमें ये क्या बात कर रहे हैं मैं आपको ये स्टडी मेरा ये ख्याल था कि जब ये स्टडी आई थी तो उसके बाद मैसेजर आ वैक्सीन को बंद करने का ऑर्डर आ जाना चाहिए था कि बस कर दें अब दे दिए सारी दुनिया को मजीद अब नहीं देना जब तक कि ये हल ना हो जाए तो आई वॉन्ट टू शो यू क्या मसला है यहाँ पर अमेरिका ये चूंकि यूके से आई है ऑक्सफोर्ड से आई है तो अमेरिका वालों ने इसको लिफ्ट नहीं कराए क्योंकि वही जो पॉलिटिकल बात है कि जैसे जब जर्मनी की स्टडी आती है तो यूके वाले उसको लिफ्ट नहीं कराते इसी तरह से जब यूके के लिए स्टडी आती है तो ये जो अमेरिका वाले हैं ये सी डी सी एफ उनकी बात नहीं मानता तो लेट्स लुक एट स्टडी। ये जो टेक्निकल बात है यहाँ पे एन वन मैथलेशन ऑफ एम आर एन एज प्लस फ्रेम शिफ्टिंग इसको मैं जल्दी से आपको आसान लैंग्वेज में बताता हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ होता ही है कि मैसेंजर आर एन ए जो सिस्टम है उसमें हम जेनेटिक मटेरियल डालते हैं जो वैक्सीन में है ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे सेल में जाता है ये, ये आ रही है ये हमारे सेल में जाता है हमारे सेल में एक मशीन लगी हुई है जो भी यहाँ पे मेडिकल के लोग हैं उन्हें इसका पता है ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है राइबोसोम लगा हुआ है लगे हुए हैं बहुत सारे राइबोसोम्स का काम होता है ये छोटी सी मशीनरी समझें जो जैसे आपके घर में सिलाई मशीन है ना सोइंग मशीन ये वैसी मशीन समझ लें ये ये करता है कि इसको मैसेंजर आने को उठाता है इसको पढ़ता है और इसके मुताबिक प्रोटीन बनाता है हमारे सेल्स के अंदर हर वक्त प्रोटीन्स बन रही हैं हमारे सेल के अंदर एंजाइम्स बन रहे हैं मशीनरियाँ बन रही हैं है, चीज़ें काम हो सब प्रोटीन्स है ज्यादातर तो ये उसकी प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है ये जो प्रोटीन है एक चीज बन जाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्पाइक प्रोटीन का मैसेंजर जब ये आएगा तो स्पाइक प्रोटीन बन जाएगी अगर आपका थायराइड हार्मोन है उसका मैसेंजर आ रहे हैं तो हार्मोन बना देगा अगर आपके मसल का मैसेंजर आ रहे हैं तो मसल का सेल बना देगा उसकी प्रोटीन बना देगा यानी जिस तरह का इंस्ट्रक्शन है वैसी चीज बन जाएगी इस रिसर्चर्स ने ऑक्सफोर्ड से उन्होंने ये कहा कि जो मैसेंजर आर एन वैक्सीन में है उसके अंदर एक चेंज की हुई हमने इसको हम कहते हैं सिंथेटिक आर यानी हमने लैब में बनाया हमारी बॉडी में इस वक्त आप मैं बैठे हुए हैं हमारी बॉडी के सेल अपना काम कर रहे हैं वो मैसेंजर आर बना रहे हैं वो हमारा नेचुरल आर है दैट इज फाइन इट वर्क फाइन हम लोग जिस हालत में भी हैं मैसेजर आर एन ए बाहर से बना के लाया गया ये सिंथेटिक है सिंथेटिक आर एन ए के अंदर वो ये करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है जो मेडिकल के लोग हैं यहाँ पे उनके लिए कि जो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर जो बेसिस हैं जो इंस्ट्रक्शन हैं उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं सी एच थ्री लगा देते हैं। उसको हम कहते हैं मैथिलेटेड यूरोडिन या जो भी बेस है यानी उसे चेंज कर दे इसके चेंज करने का फायदा यह है कि ये मैसेजर आ अंदर जल्दी टूटता नहीं तब अगर आप सोचिए कि ये कि अगर इसका फायदा है जल्दी टूटता नहीं तो यही इसका नुकसान भी हो सकता है कि जल्दी टूटता नहीं और बैठा रहता है सेल के अंदर और बनाता रहता है स्पाइक प्रोटीन तो जहां पर यह बेनिफिट है वहां पर यह नुकसान भी है तो एक तो इसका ये नुकसान है कि इट कंटेन मैथिलेटेड यूरिडिन डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन दूसरा नुकसान जो स्टडी में उन्होंने ढूंढा दैट इज सच अ ब्यूटिफुल मैकेजम दे फाउंड अब सोचिए ये लोग जो हमारे रिसर्चर्स हैं ये कैसे करते हैं कि सेल माइक्रोस्कोपिक है सेल के अंदर जो चीज़ें वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैं उनके अंदर के जाके मैकेनिज्म ढूंढ खिलाते हैं तो देखिए उन्होंने ये कहा कि परस कीजिए यह हमारा रोजोम है ये हमारा वो सोइंग मशीन है जिसमें मैसेंजर आने ने लगा हुआ है और ये उसको पढ़ के तो प्रोटीन्स बना रहा है ठीक ये काम कर रहा है उन्होंने कहा जी कि जो मेथलेटेड जो चेंज्ड हिस्से है ना जब ये राइबोसोम उनको पढ़ने की कोशिश करता है तो ये स्लिप हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आपको कोई बना वो प्रिंट बना के दूं कोई एक कागज के ऊपर छाप के दूं कुछ अल्फाज लेकिन उसमें से लफज ई जो है वो गलत प्रिंट हुआ आपको समझ ना आए कि ये ई है लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है तो आप जब भी लफज ई पे पहुंचे तो आप मिस कर जाए और आपको समझ ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है इसी तरह से जब हमने इसको चेंज किया हुआ यूरिडिन को तो ये जो राइबोसोम है टेन परसेंट ऑफ द टाइम इट स्टार्ट स्लिपिंग ऑन इट जब वो स्लिप होता है तो वो परस कीजिए मैंने ये लिखा हुआ है कैट एंड डॉग सूंकि हमारा राइबोसोम तीन लेटर के लफ्ज पढ़ता है इसे में तीन तीन में लिख रहा हूं सन अब फर्ज कीजिए राइबोसोम इस सेंटेंस को पढ़ा था और ये एन पे आकर स्लिप हो गया तो अब ये पढ़ेगा कैट ए अब एन पे स्लिप हो गया तो ये डी को पढ़ेगा दूसरा लेटर और ये डी को पढ़ेगा तीसरा फिर इन दो को पढ़ेगा अगला सेट और अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि वो स्लिप हो गया राइट इसको कहते हैं स्लिपेज अब आप बताएं आप में से कोई भी ये सेंटेंस पढ़ के मुझे बता सकते है। ये क्या लिखा हुआ है कैट एड ऑग्स कुछ भी नहीं है ये चुनाचे जब ये इस पर स्लिप होता है तो जो प्रोटीन बनती है वो अजीबो गरीब प्रोटीन बन जाती जब वो गार्बेज प्रोटीन बनती है जो चाहिए था स्पाइक प्रोटीन बनाना उसके अलावा कुछ और बन जाता है तो आप सोचिए वो जो कुछ हो रहा है क्या वो थायराइड नहीं हो सकता क्या वो हार्ट का टिश्यू की चीज नहीं बन सकती क्या वो किडनी नहीं बन सकता क्या वो मसल नहीं बन सकता क्या वो न्यूरॉन नहीं बन सकता क्या वो माइलिन शीत का पैटर्न नहीं बन सकता यहाँ पे जो इम्यूनोलॉजिस्ट है उनको पता होगा कि जी एपिटोप जो होते हैं वो सात अमीनो एसिड के पैटर्न को एपिटोप कहते हैं तो ये सारे गलत हो गए, सारी इंस्ट्रक्शन गलत हो गई तो वो क्या छह सात किसी थायराइड हार्मोन के, के एपिटोप नहीं बन सकते? जो ही ऐसा होता है एज सुन एज दिस इज डन तो हमारा इम्यून सिस्टम जब इस गार्बेज प्रोटीन के अगेंस्ट काम करना शुरू करता है तो इट इज एंटायरली पॉसिबल कि ये हमारे अपने टिश्यूज के साथ क्रॉस रिएक्ट करना शुरू कर दे ये चीज आकर पता चलिए हमें दिसंबर 2023 में ये वैक्सीन मैसेंजर वैक्सीन आई रिमेंबर इट नवंबर 2020 के अंदर यूएस में फॉर द फर्स्ट इंजेक्शन देने शुरू हुए थे उसके तीन साल बाद हम इस हद हाँ पे पहुंचे हैं कि हमें पता चल रहा है जनाब ये तो गार्बेज प्रोटीन बना रही होगी जो गार्बेज प्रोटीन की अगर इम्यून सिस्टम उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है तो ये क्रॉस रिएक्शन बोलते हैं मेडिकल में मोलिकुलर uh, ममिक्री बोलते हैं या क्रॉस रिएक्शन ये क्रॉस रिएक्ट कर रही होगी ये तो हमारे अपने टिश्यू को अटैक हो, हो, हो सकता है अगर ऐसा हो सकता है ये स्टडी बताती है कि हो सकता है अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे जिसम का कोई भी हिस्सा इम्यून सिस्टम के अटैक में आ सकता है हमारे अपने इम्यून सिस्टम के अटैक में और ना सिर्फ ये कि वो उसके अटैक में आ सकता है बल्कि वो सारी उम्र के लिए उसके अटैक में रहेगा ऑटोम्यून डिजीज डेवलप हो जाएगी सो दिस इज अ अरेबल आउटकम ऑफ अ स्पाइक प्रोटीन एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन अब उससे अगला क्या नुकसान है इसका सो वंस अगेन आई नो के यहां पर चाइनीज वैक्सीन के लिए वंस अगेन चाइनीज वैक्सीन का

लेकिन अब ये पता चला है कि तीन महीने तक सेल के अंदर से स्पाइक प्रोटीन निकलती है तो अगर आप ये पूछें जी स्पाइक प्रोटीन सेल के अंदर से क्यों निकलती है ये वहाँ पे क्या टूटी क्यों है? <coughs> तो एक्सक्यूज तो पता चला कि जी कुछ तो टूट जाती है लेकिन सेल्स में ये आ, हेल्थ केयर के जो दोस्त हैं यहाँ पे एक्सोसोम्स और या इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स सेल के अंदर से कुछ चीजें जो पड़ी हुई हैं इसकी मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन का एक हिस्सा पिंच ऑफ होता है जैसे हम फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस करते हैं इमेजिन हम एक्सोसाइटोसिस करें कुछ हिस्सा उसका पिंच ऑफ होता है और सेल के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको लेके बाहर निकल जाता पता ये चला कि जो वैक्सीनेटेड सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स के अंदर स्पाइक प्रोटीन पैक करके तो भेज रहे हैं बाहर कहां तक ये मामला गया हुआ है मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूं और हम इसी की अभी बात कर लेकिन एक और स्टडी देखें ये देखिए डिटेक्शन ऑफ मैसेजर आरा ने कोविड इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंचा हुआ है। That means कि इधर मसल में दिया था ये शोल्डर के डेल्टोइड में दिया था यहां से निकला मैसेंजर आरा ने एंड इट वेंट ऑल द ब्रेस्ट और वहां पर जाकर ब्रेस्ट मिल्क में शामिल हो गया ब्रेस्ट से जब मिल्क बनता है तो वो किस तरह से बनता है कि ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं उसका वन थर्ड ऑफ द सेल जो है वो काट टूटता है और वो उसे लैदा हो जाता है so ये एक third, two third ये रह गया और एक थर्ड उससे लैदा हो गया तो ये मिल्क का हिस्सा बनता है तो अगर इसके अंदर मैसेंजर आरा ने पड़ा हुआ था सेल के अंदर तो वो मैसंजर आर ने उसके मिल्क में भी चला जाता तो ये बात तो पहले नहीं पता था हमें ना ही किसी ने सोचा था ना ही ये स्टडी कर रहे थे सीडीसी और एफडी आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि कुछ गलत नहीं है सब ठीक है सारी दुनिया बस ये लगवाए और बात खत्म हमारी बात मानो तुम वैसे ही हमारी बात मानते हो तो ये भी मानो सो so, ये कभी देखने की कोशिश ही नहीं की यहाँ ये देखें कि ये स्टडी जामा नेटवर्क में है क्योंकि माठे जर्नल्स नहीं है राइट सो लुक एट दिस एट द टॉप जामा नेटवर्क डिटेक्शन ऑफ मैसेजर आर एन ए कोविडीन वैक्सीन ब्रेस्ट मिल्क ये कब किया सेबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू की, है? 26, 2022 की. इत, इतनी देर से हमें यह पता है तो अगर ब्रेस्ट मिल्क में ये मैसेंजर आर एन जा रहे हैं तो और भी जगहों पे जा रहे होंगे तो स्पाइक प्रोटीन जो है वो सेल से निकल रही है एक्सोसोम्स में स्पाइक प्रोटीन निकल रही है कि जब जो सेल इन्फेक्टेड है इंफेक्टेड से मुराद है जिसके अंदर एम और जो स्पाइक बना रहा है इन्फेक्टेड तो नहीं है एम वैक्सीनेटेड कह लें इसको इम्यून सिस्टम अटैक करेगा

कि ये जरूरी नहीं कि स्पाइक प्रोटीन के साथ पूरा वायरस भी लगा हो तो ही ये होता है ये जरूरी नहीं है खाली स्पाइक प्रोटीन अगर ए2 के साथ लग जाए तो इंटरनल सेकंड मैसेंजर जो सिस्टम्स हैं वो सेल को शट ऑफ कर देते हैं और ना सिर्फ ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल के सेल्स हैं इन सेल्स के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है और नीचे डिफ्यूज करता है ताकि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनको रिलैक्स करे जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और जो इंफ्लेमेटोरी uh, वो हैं मार्कर्स हैं मीडिएटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं इसके साथ एक और काम होता है हमारे सेल्स के अंदर एंटोथीरियल सेल्स के अंदर स्पेशली एनजाइन पड़ावर सुपरऑक्साइड सेल्स में होता है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज का काम है इन सेल्स के अंदर अगर इंफ्लेमेटोरी ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस हों तो उन्हें तबाह कर दे। स्पाइक प्रोटीन जब इन सेल्स के ऊपर लगती है तो ऑक्सीजन रेडिकल तो बनते हैं यानी नुकसानदेह चीजें तो बनती हैं उसके साथ साथ में सुपर ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती रिजल्ट ये होता है कि ना सिर्फ यह सेल खुद इनफ्लेम हो जाता है इसको खुद सोजन हो जाती है बल्कि सेल के साथ जो ब्लड चल रहा है उसके अंदर भी मीडिएटर्स रिलीज होने लग जाते हैं वहां से क्या होता है जो प्लेटलेट गुजर रहे हैं प्लेटलेट वो हैं जो जो सेल से हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है जो प्लेटलेट गुजर रहे हैं उनमें प्लेटलेट एक्टिव, एक्टिव एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है पी ए एफ वो एक्टिवेट हो जाता है इन मार्कर्स की वजह से जिसकी वजह से प्लेटलेट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं जब वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो क्लॉट बन जाता है तो ये वैक्सीन क्लॉटिंग भी करती है एडनो वायरस बेस्ड वैक्सीन भी क्लॉटिंग करती है उसका मैकेनिज्म हो रहा है पर वो भी करती है अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज वैक्सीन इस तरह की क्लॉटिंग करेगी तो देखिए उस वैक्सीन में भी प्रोटीन तो है पर वो इतनी नहीं है। प्लस उसके अंदर और तरह के इम्यून इम्यूनोजेन्स कहा जाता है इम्यूनोजेन्स वो वो चीजें हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उनमें और तरह के इम्यूनोजेन्स भी हैं चुनाचे क्या ये कर सकती है उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे ये कर रहे हैं आई डोंट थिंक सो मेरा माउस जो है वो बस का खराब हो जाता है एक मिनट दीजिए मैं अपने बोलने के जोश में बस का तो <laughs> इसकी केबल को हाथ लगा देता तो वो वो रुक जाती है एनीवे anyway, सो so ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये जो चाइनीज वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है उसके अंदर और कंपोनेंट्स ज्यादा हैं और उन कंपोनेंट्स में एक बहुत अहम बात ये है कि अगर स्पाइक प्रोटीन है भी तो वो ज्यादा डी है इनएक्टिवेशन का मतलब ही होता है कि आप, आप वो उसको वायरस को अच्छी भली अपने मार चढ़ाई है उसकी शक्ल सूरत बदल दी है और वो अब हम उसके खिलाफ जा रहे तो जब इसकी स्पाइक प्रोटीन भी इतनी अच्छी नहीं है तो क्या वो जाकर सेल के साथ लगेगी नहीं लगेगी क्या वो एंडोथेलियम के साथ लगेगी नहीं लगेगी। क्या वो क्लॉटिंग वैसे करेगी जैसे एमआरए ने करती है नहीं क्या वो इन्फ्लेमेशन वैसे करेगी जैसे एमआरआई करती है नहीं करेगी सो इन थ्योरी इन एक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन शुड सेफ्टी सिर्फ एक, एक है वो ये देर इज नो डेटाटा की एपसेंस में मेरा ये मैं डॉक्टर हूं आप सब यहाँ पे ज्यादा लोग डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अगर हम कुछ क्लेम करें तो हमें बैकअप करना पड़ता है डेटा के साथ तो अगर डेटा नहीं है तो वो क्लेम जो है वो दैट कैन बी जस्टर

ऊपर जो औरतें हैं उन्हें तो ये कभी टच भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट कॉज इवियर क्लॉटिंग इन दम जो मैसेंजर आर एन ए वैक्सीन हैं वो थर्टी साल से जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से यूज करनी चाहिए क्योंकि ये उनमें मायोकडाइटिस करती है अच्छा जी सो अब ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया क्लॉटिंग का तो क्या क्लॉटिंग होती है बिल्कुल होती है क्या हर एक में पीटर मुकल्ला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि जो लेगा वो ये कहता है जी जितने लोग मर रहे हैं वो सारे क्लॉटिंग से ही मर रहे हैं और हार्ट कंडीशन से ही मर रहे हैं ये भी गलत है अब पूरी दुनिया को वैक्सीन लगी हुई हैं दुनिया में लोग पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस वक्त अब सर बात कर रहा हूँ सुबह उठूंगा भी कि नहीं आई डू नॉट नो वो ये कहते हैं जी हर बंदा जो है जो मर रहा है वो ये इसी से मर रहा है तो क्या वैक्सीन से पहले लोग मर नहीं रहे थे क्या उन्हें पहले कार्डियक आ, हार्ट अटैक्स नहीं होते थे क्या सडन डेथ्स नहीं हुआ करती थी सब कुछ होता था वो अब जब भी कोई मरता है तो कहते हैं जी ये आ, वैक्सीन का मैं अब आपको उसका भी दोबारा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे वो गलत कहते हैं लेकिन हमारे शो यू कि कुछ रियलिटी है जो हमारे सामने होनी चाहिए सो क्लॉटिंग भी होती है अब तीसरी बात आ गई मायापेटाइटिस हार्ट का क्या मसला है एक और स्टडी आपको दिखाता हूं जो बिल्कुल फ्रेश आई है मेरा ख्याल था कि मैंने वो स्टडी पहले खोली भी है मुझे लगता है मैंने वो ही की सो so, एक स्टडी आई है रिसेंटली मैंने एक्चुअली कल परसों पढ़ाई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि जो हार्ट का टिश्यू है लेट से ये हार्ट के सेल हैं <laughs> ये ये मैं अपनी तरह से ब्रांच सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सो प्लीज डोंट माइंड सो इमेजिन दीज आर दी हार्ट सेल्स उन्होंने ये कहा कि जी हार्ट में अगर आप कोविड वायरस एक मतबा इंट्रोड्यूस कर दें तो ऑफकोर्स उसे क्या होगा कि हार्ट इन्फ्लेम हो जाएगा जब वो इन्फ्लेम हो जाएगा तो उसके थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आप इस हार्ट को स्ट्रेस में डालें हाइपॉक्सिया करें जो कि ओल्ड एज में हम लोग हाइपॉक्सिक होने शुरू हो जाते हैं अगर आप हाइपॉक्सिया कर दें तो जो वायरस है वो रिएक्टिवेट हो जाता है

कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इज बाय देम तो हमें उससे सोचना चाहिए था कि कोविड भी ये कर सकता है बट एनी कोविड के अंदर ये हमें पहली महत्व पता चला है कि कार्डियक टिश्यू के अंदर लेटेंट हो सकता है लेटेंट का मतलब अंदर बैठ के सो जाता है जब हार्ट पे जरा सा स्ट्रेस आए तो दोबारा जाके हार्ट को डैमेज करता है तो क्या वैक्सीन ये कर सकती है अब वैक्सीन तो वायरस नहीं है ना जो जाकर सो जाए द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हार्ट के अंदर भी एज टू है और अब आप ये सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब भी हार्ट स्ट्रेस में जाता है अगर एक यंगस्टर है वो दौड़े भागे लगा रहा है तो हार्ट स्ट्रेस में गया जो कि अच्छी बात है उससे हार्ट बेहतर होता है अगर मैं कोई बंदा हूँ तो मेरी कॉर्नरी आर्टरी सही तरह से काम नहीं करी तो मेरा हार्ट हाइपॉक्सिक स्ट्रेस में गया ये जो स्टडी मैंने आपको बताई है कोविड की सो so, प्लीज याद रखिए कोविड इट सेल्फ ये कोई इतनी वो मासूम चीज नहीं है यानी ये नहीं है कि अच्छा जी अब वैक्सीन के अंदर तो ये मसाल हैं तो फिर कोविड ही कराया जाए कोविड के अपने मसाइल हैं जब हार्ट पे स्ट्रेस आता है तो हार्ट के सेल एस टू की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं ये हार्ट का नॉर्मल रिएक्शन है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है अंडर स्ट्रेस इट मेक्स मोर एज टू एंड अब आप सोचें एक लम्बे के लिए इमेजिन करें कि जी मुझे मिली मैसेंजर आर वैक्सीन आज। वैक्सीन मिल गई मेरे लोकल लिम्फ नोड्स में चले गए मैसेंजर आरण्य और वहां पे बैठी हुई तीन महीने तक तीन महीने की तो स्टडीज हैं कि तीन महीने तक मैसेंजर आरएनए और स्पाइक प्रोटीन बनती रही शुरू में जब मैंने ली तो फर्ज कीजिए कि मैं वॉज अनफॉर्चुनेट कि मेरे हार्ट को आके वैक्सीन के मैसेंजर आर एन से बनी हुई स्पाइक प्रोटीन ने आके स्पाइक इसके एस टू के साथ लगा हार्ट को इन्फ्लेमेशन की मुझे कुछ मायोकार्डाइटिस हुआ लेकिन वो ठीक हो गया दो तीन दिन बाद ऑल गुड मैंने भूल गया महीने बाद मैं दौड़े भागे लगा रहा हूँ जब मैंने दौड़ भाग लगाई तो अब सर्कुलेशन के अंदर तो स्पाइक प्रोटीन फिर रही है क्योंकि मेरे जो लोकल एक्सिलरी और जो लोकल सर्विकल हैं, उनके प्रोटीन अभी भी बन रही है भाग तो उनके ऊपर भाग नहीं थी इन्होंने आके लगना शुरू कर दिया एन ऑल ऑफ अ सडन माई हार्ट इज अंडर इनफ्लेमेशन वंस मोर तब मैं महीने बाद तो ये सोच भी नहीं रहा कि अच्छा मुझे ये वैक्सीन ने किया होगा या दो महीने बाद या तीन महीने बाद मैं मैं जी वो तीन महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ सकता है पर पता चला कि नहीं फर्क पड़ सकता है क्योंकि कार्डियक अप एस टू अब ये मसला के साथ भी है अगर कोविड आके बैठ के हार्ट के अंदर तो वो भी तीन महीने बाद मारना शुरू कर देगा वैक्सीन भी अभी कर सकती है पॉइंट इज कि जो बात डॉक्टर पीटर मुकल्ला कहता है कि जी मायोकार्डाइटिस होता है दैट इज करेक्ट होता है क्लॉटिंग होती है ये भी करेक्ट है उसका भी वो वो है हैं वो जो ये कहता है कि डाइट सडनली सारे यही हैं मैं अब आपको उसका दिखाऊं कि यहां पे मैंने इसे ओपन किया हुआ है पीटर मुकल्ला ने क्लेम ये किया हुआ है। कि जो भी बंदा मर रहा है ना एकदम से वो वैक्सीन की वजह से मरा डाइट सडनली ये कहाँ से शुरू हुई है जब मैंने शुरू में आपसे बात की कि ये यहाँ पे पैसों के कमाने के लिए भी करते हैं मैं अब आपको बताऊं कि अमेरिका में इस वक्त अगली क्या बातें हो रही हैं जो आपको आहिस्ता आस्ता पहुँचनी शुरू होंगी अगली एक बात ये शुरू हुई है ये भी वो कॉन्सपरेसी थ्योरी शुरू हुई है गलत थ्योरी है कि जनाब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके नाक और मुंह और आंखों से और उनके यूनरी ट्रैक से और उनके जीआईटी के ट्रैक से और उनके वेजिनल और सीमन, सेमिनल सिस्टम से स्पाइक निकलती है शेड करते हैं वो और ये जब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शेड करते हैं यानी इनके मुंह से स्पाइक निकल रही है जो वैक्सीनेटेड है तो और लोग ये आ गए हैं जो कहते हैं जी मैं अगर वैक्सीनेटेड के साथ खड़ा हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ इसकी स्पाइक्स मेरे ऊपर आ जाती हैं तो मैं बेहोश हो जाता हूं ये शुरू हुई है मैं अब आपको इसमें एक और दिखाता हूँ एक एक दो तस्वीरें दिखाने लगा अब। अगर आप कभी आ, इन लोगों को देखें डॉक्टर पीटर मकल्ला तो उसमें एक दो और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं एक है डॉक्टर पियर कोरी आपने उसको अक्सर सुना होगा अमेरिकन कांग्रेस में भी बोलता है यूरोपियन पार्लियामेंट्स में भी, भी बोलता है ये डॉक्टर पियर कोरी है ये आपने देखा होगा देख रहे होंगे कि मेरी मेरी कंपनी की शर्ट पहन के खड़ा है डॉक्टर पीन के ये डॉक्टर पॉल मैरिक है अगर मैं इनको ये सजेस्ट ना करता रहू कि ये जो मुकल्लाज और मलोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो गलत बोल रहे हैं तो शायद ये भी यही कुछ कह रहे हो आजकल मेरी अब पिछले हफ्ते डॉक्टर पॉल मैरिक से बात हुई थी आजकल ये लग, लोग लगे हुए कि जी शेडिंग हो रही है मुझे ये पता कि जब इन दोनों ने कहना शुरू करना कि शेडिंग हो रही है तो इसके बाद मुकल्ला ने कहना शेडिंग हो रही है फिर मलोन ने कहना शेडिंग हो रही है शेडिंग होने के बाद फिर इन लोगों ने दवाइयाँ बेचनी शुरू कर देनी कि अच्छा जी अगर आप शेड करते हैं तो हम आपको दवाई देते हैं कि शेड ना करेंगे और अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जो वैक्सीनेटेड के साथ रहते हैं तो हम आपको दवाई दे देते हैं कि आपको स्पाइक प्रोटीन कुछ ना करे ये पैसे कमाने के लिए करते हैं तो शेडिंग का कोई वो है नहीं तो अगर आप वो देखें जो वेव्स थी जिन वेव्स में इन लोगों ने लोगों को उनके रास्ते से उनको डराया मतलब देखिए आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि देर इज अ नीड जो जिससे डरना चाहिए देर इज अ प्रॉब्लम लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो कर देते हैं जिसकी वजह से डिसमिस हो जाता है जो वेव्स है ना कॉन्स्परेसी की एक मरतबा आया था जी के इसके वैक्सीन के अंदर स्नेक स्नेक वैनम है ये गलत था फिर आ गया था जी कि वैक्सीन जो है वो आ, वो ये करती है कि आपके डीएनए को मॉडिफाई कर देती है ये भी गलत था फिर आया था जी कि वैक्सीन जो है वो स्पाइक प्रोटीन चली जाती है ओवरी के अंदर और ओवरी तबाह बर्बाद कर देती है या टेस्टिस को तबाव बर्बाद कर देती है सो फर्टाइल नहीं रहते आप ये भी गलत था फिर आ गया कि ये डाइट सडनली कि जो मरा है वो इसी से मरा यहाँ पे ये डाइट सडनली की बात इसमें आपने अगर देखा हो डाइट सडनली एकदम जी मर गया ये होता है ये मेडिकली नोन है कि बजात लोग बैठे बैठे मर जाते हैं या वो यंगस्टर जो गेम खेलते हुए अगर उनके वो वेंटिकुलर सेप्टल वो है हाइपट्रफी की डिजीज है जो जेनेटिक होती है तो मर जाते हैं यस दैट हैपन्स लेकिन वो सारे वैक्सीन की वजह से नहीं मर रहे होते। इतनी हरकतें की दस में किसी बंदी की वीडियो बनी वी हुई थी कि वो खड़े खड़े गिर के मर गई उन्होंने वो लगा दिए ये देखें जी ये मरी है वो पता चला जी ये तो बीस सौ दस में मरी थी इसी तरह एक और बंदी मरी कोई बीस सौ अठारह उन्नीस में किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी रेल के तो वहीं पे गिर के मर गई उनका जी ये भी वैक्सीन से मरी है वो पता चला वैक्सीन से पहले मरी हुई थी सो डाइट सडनली की वेव चली जिसको पीटर मुकल्ला ने उठाया हुआ कि जी डाइट सडनली भी सारे इसी की वजह से मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं तो आप मेरी बात माने अब जो अगली वेव इस वक्त आ रही है वो आ रही है शेडिंग की आपको ये जल्द ही खबरें सुनने में मिलनी शुरू हो जाएंगी कि जनाब शेडिंग हो रही मैंने डॉक्टर पॉल मैरिक के साथ लास्ट वीक ये की है कि जनाबी वाला ना कोई एविडेंस है शेडिंग का ना कोई मैकेनिज्म है शेडिंग का मुझे कहने लगे कि अच्छा देखो बात सुनो ये हमारे पास अगर ये मैकेनिज्म है ना कि ब्रेस्ट मिल्क में हाँ मैंने अभी आपको स्टडी दिखाई थी इतनी मैंने स्टडीज खोली हुई है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क में एम नहीं आ सकता है पता नहीं मैंने अभी आपको दिखाई थी राइट अगर ब्रेस्ट मिल्क में आ सकता है तो फिर वो मुंह से भी आ सकता है तो मुझे उन्हें ये समझाना पड़ा था कि वो ऐसे नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उसकी वजह ये है कि देखिए लेट्स कि ये मैसेंजर आर एन इंट्रोड्यूस हुआ किसी इंसान में वो जब उसके सेल के अंदर गया फिर सेल के अंदर से वो ईवी बन के बाहर भी निकल आया तो लेट से ब्रेस्ट के, ब्रेस के टिश्यू में गया तो ब्रेस्ट के टिश्यू में गया तो टिश्यू में अगर एम मौजूद है तो मैंने जैसे आपसे पहले बात की कि ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन में होता कि जो सेल है वो वन थर्ड टूट के मिल्क का हिस्सा बन जाता लेकिन जो सिलाईवा हमारा बनता है और जो सिलाईवा के अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं वो इस मैकेनिज्म से नहीं आती हमारा जो सलाइवा की प्रोडक्शन है उसमें होता है कि ये सेल है ये लेट्स से के हमारे माउथ के अंदर के जो सेल्स हैं तो यहाँ से जो ट्रैफिक होती हैं चीज़ें उसके लिए ख़ास फैगोसाइटोसिस होता है या ट्रैफिकिंग होती है वेसिकुलर ट्रैफिकिंग होती है वो ट्रैफिकिंग की नहीं होती क्योंकि तो ये नहीं है कि से बस यहां, हो यहां, हो यहां मुंह से इन चीजों का निकलना इज जस्ट नॉट पॉसिबल जैसे स्वेट में भी इट्स नॉट पॉसिबल लेकिन इस वक्त नई साधि शुरू हो रही है कि जनाब शेडिंग हो रही है तो वो लोग और परेशान हो जाते हैं अब यहाँ पे लोगों के आपस में लड़ाइया हो रही हैं कि अगर मियाँ वैक्सीनेटेड और बीवी नहीं है तो वो लड़ेंगे जी इकट्ठे नहीं रहना तुम शेडिंग करते हो तो मैं आ, मैं वो वो मतलब है ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे अमेरिका में <laughs> तो वो पहले ही नाइनटी परसेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे. राइट लोग आ, कहते हैं जी मैं मुझे पता चल जाता है कौन वैक्सीनेटेड है मैं अगर पास खड़ा हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं ये वो नया जो है वो फ्रॉड शुरू हुआ हुआ है तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा रैप अप करूं तो कुछ तो रियलिटी है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं कुछ लोगों के कार्डियक टिश्यूज को नुकसान हुआ है मैंने इसकी आ, मेरी एक यहाँ पर जितनी मैंने आज तक वीडियोस की है ना उनकी मैंने लिस्टें बना के रखी हुई है यहाँ पर इसके अंदर ये देखे जो कार्डियक टिश्यू को नुकसान हुआ है उसके ऊपर मेरी कितनी टॉक्स हैं

इस क्वांटिटी और इस नंबर में नहीं जो कि डॉक्टर पीटर मकल्ला जैसे लोग कर रहे हैं अब मकल्ला का अपना क्या हाल है मकल्ला की कंपनी है उस कंपनी का नाम है वेलनेस कंपनी ये जो कंपनी है देख रहे हैं इसके ऊपर यह क्या बेच रहा है स्पाइक सपोर्ट ठीक ये आपसे कहते हैं जनाब आप मर जाएंगे स्पाइक से तो फिर आपको कहते हैं अच्छा ऐसा करें कि आप ना हमारे साइट के मेंबर बन जाएं तो हमारे पास स्पाइक को डिटॉक्स करने की चीजें हैं तो हम आपको वो बेचेंगे ये इससे मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा है तो मुकल्ला के साथ क्या हुआ कि ये अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन है ये उनकी अक्टूबर एटीन की आ, वो है डिसीजन है उनका पीटर मुकल्ला एमडी पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल नोटिस ऑफ रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी सेंक्शन तो इसमें उन्होंने कहा कि जनाब मकला साहब आप कुछ ज्यादा झूठ बोलने लगे अब आप प्लीज इस बात को बैलेंस करें कि सीडीसी और एफडीए डी ये मानने को तैयार ही नहीं कि वैक्सीन में इंजरी होती है यानी वो अगर मकल्ला को आप पकड़ रहे हैं ना इस तरफ तो फिर सी डी सी एफ को पकड़ेंगे दूसरी तरफ कि वो भी गलत है जो सच है वो दरमियान में बैठा हुआ है सो डियर डॉक्टर मकल्ला ये इन्होंने इसको कहा कि जनाब आपने बहुत सारे झूठ बोले हैं ये इन्होंने झूठों की उसकी लिस्ट दी हुई है चुनाचे आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब हमारा डिसीजन ये है एज एन इनिशियल मैटर द सी 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 रिव्यूड योर रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट और बी उन्होंने वो हम नहीं करने देते आ, मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ ये यहाँ पे इन द लाइट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड सरकमस्टांसिसमेंड योर बोर्ड सर्टिफिकेशन बी रिड तो मक्ला साहब जो है वो आ, इस वक्त अपील के प्रोसेस में अदरवाइज उसकी जो इंटरनल मेडिसिन और कार्डियोलॉजी की लाइसेंसिस हैं वो तो चले गए और उन्होंने साइड किया हुआ कि किस वजह से गए तो ये थमकला का हाल है जो टेन पेनी है वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकल गई भी है जो डॉलरस काहिल है वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकल गई भी है जो पॉल मैरिक है आपको मैं इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ मेरे बड़े ये अच्छे दोस्त हैं पॉल मैरिक और पियर कोरी यहाँ पे एक और तस्वीर भी है ये पियर कोरी खड़ा मेरी शर्ट पहन के पॉल मैरिक आईसीयू का हेड हुआ करता था दुनिया का सबसे ज्यादा ऑथर ऑथर मेडिकल पॉल मैरिक है और शायद आप में से कुछ लोगों को इसके प्रोटोकॉल का भी पता हो जो आईसीयू तो के अंदर विटामिन के साथ इसकी सारी बहुत सारी वीडियोस हैं शुरू में है। जब कोविड आया था इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर विटामिन डी के ऊपर बहुत सारी पॉल मैरिक के साथ करेक्ट तो पॉल मैरिक अगर आप आईसीयू में विटामिन सी और विटामिन डी और और कॉटिकोस्टेर यूज करते हैं तो वो जो मधुरी प्रोटोकॉल है वो पॉल मैरिक का दोस्त है मधुरी और जो पॉल मेरिक का प्रोटोकॉल है वो विटामिन सी का है तो इसकी आईसीयू मैनेजमेंट में जो आईसी पेशेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट में बहुत सर्विसेज हैं दुनिया का सबसे ज्यादा रिटर्न ये है ऑथर मेडिकल ऑथर लेकिन इसको जब इसने बात किया एवरमैक्टिन की और ईसा की तो इसको निकाल दिया उन्होंने अब कौन रह गया जो एक्चुअली कौन रह गया जो एक्चुअली अभी भी अपनी जॉब पर भी है और ईर्सा की बातें भी करता है एक है विनय प्रसाद डॉक्टर विनय प्रसाद इधर यूसीएसएफ में डॉक्टर है आई थिंक पीडियाट्रिशन है वो वैक्सीन को क्रिटिसाइज करता है लेकिन बहुत बैलेंस तरीके से करता है आई थिंक वो स्टिल ही बिकम्स ए लिटिल कॉन्स्पिरेटोरियल, बट ही स्टिल मच मोर बैलेंस दैन पीपल लाइक डॉक्टर पीटर मुकल्ला एक मैं हूँ मैं तो जॉब करता नहीं हूँ मैं अपना पढ़ाता हूँ और ये मेरी जॉब है लेकिन मेरे भी जितने लेक्चर्स हैं दे आर ऑल बैलेंस्ड I talk about vaccine, vaccines synthesis, vaccines manufacturing, vaccines trials, benefits, and then I talk about their side effects as well. This is the first thing. One of the main mechanisms mechanism I share wo the neurological effects of the vaccines. Once again, mRNA vaccines, which are brain the brain, spinal cord, peripheral nerves. स्पाइक की वजह से हैं या एम आर एन सेल्फ अभी तक ये नहीं क्लियर है लेकिन ये पता है कि कुछ लोगों में एम आर के बाद पूरी बॉडी में जैसे वो सेंसेशन आती बजिंग सेंसेशन और नमनेस आती है और स्मॉल फाइबर न्यूरोपथी होती है और उनके जो कॉग्निटिव uh, सिस्टम है उनका जो हिपो एरिया है ब्रेन का वो इफ़ेक्ट होता है प्लस उनको मसल फटीक्स होती हैं एम ई जैसे हो जाता है माइलो क्रोनिक क्रॉनिक सिंड्रोम मसल वगैरह दर्द करते हैं और जॉइंट दर्द करते हैं मूव नहीं सही कर सकते ये सारा भी मैसेंजर आने ने वैक्सीन से होता है ये अनफॉर्चुनेटली कोविड से भी होता है सो so, ये तो हल नहीं है कि काजा वैक्सीन ना लें लेकिन कोविड करवा लें पर यह भी हल नहीं है कि अगर एक मरतबा वैक्सीन ले ली दो मरतबा ले ली या कोविड हो गया तो फिर दोबारा भाग के जाके वैक्सीन ले ली भाई अगर कोविड हो गया है तो उसके बाद अगर आप ठीक हो गए हैं तो आपको वैक्सीन की क्या ज़रूरत है वैक्सीन तो कोविड के लिए लेते हैं ना तो ऐसे ही है जैसे कोई पेशेंट सो रहा हो तो आप उसे उठा के कि यार नींद की गोली खा लो वैक्सीन उसको दें जिसकी ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल कोई इम्यूनो सप्रेस्ड है कोई कैंसर का पेशेंट है वो कीमो के ऊपर है या कोई रीनल फेलियर का या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है ऐसा पेशेंट है कोई एच का पेशेंट है जिनका इम्यून सिस्टम नहीं उतना एक्टिव उनको वैक्सीन देनी बार बार बनती है जिन लोगों को और अब तकरीबा ऑलमोस्ट हर एक को कोविड हो चुका है जिसको कोविड हो गया है मैं ये हैरान होता हूँ वो जाके बूस्टर लगवाते हैं भाई आपको कोविड भी तो बूस्टर ही था आपने साबित कर दिया कि कोविड हो गया तो कुछ नहीं हुआ आपको तो वैक्सीन का बूस्टर लगवाने की क्या जरूरत so, की हैं और जरूरत है जहां पे लगनी चाहिए लेकिन बार बार बूस्टर्स की जरूरत इस वक्त नहीं आई एम ओपन टू एनी questions. थैंक यू वेरी मच आपने थैंक यू सो मच डॉक्टर मोबीन सैयदेटिव लेक्चर और डिटेल में आपने दिया और मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ये खुद लोग पूछेंगे आ, पहला सवाल राशिद साहब के कुछ सवाल थे आ, जो आपने जवाब दिए और राशिद महमूद साहब जी प्रोफेसर राशिद महमूद साहब मोबीन साहब बहुत अच्छा आपने बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर करा दिया पहले भी आप इस तरह करते रहे हैं और एक लास्ट आपसे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये हम डिसाइड किया था कि जिसको कोविड हो चुका है उसको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए लेकिन उसको हमारी गवर्नमेंट तो बूस्टर भी नहीं लगवाना चाहिए बिल्कुल और उसको जो है लगाते रहे आ, मेरा जो आपने बड़ा अच्छी तरह टच किया कि ये जो सडन uh, डेथ uh, है पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि यंग्स में सडन डेथ कार्डी जो प्रॉबेबल है वो ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है क्या वैक्सीन लगाया था क्या फैमिली हिस्ट्री है क्या है बस जी मर गया तो अपना दो तो इसमें कोई चांसेस है कि कोविड से है या कोविड वैक्सीन से है या तो आप इसमें थोड़ा सा मजीद्रेट करें कि ये बहुत ज्यादा डिस्कशन पाकिस्तान में हो रही है कि यंग सारे के सारे वैक्सीन से या कोविड से मर रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे अमेरिका में भी ये डिस्कशन हो रही है और जो ऑर्गेनाइजेशन uh, हैं जैसे वाली है, ये बात सही है कि जनरली डेथ्स हैव इंक्रीज जब से ये कोविड आया अब उसमें जो फैक्टर्स यहाँ पर वो बोले जाते हैं उसमें ये है कि एक तो सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स कि लोग तीन साल लॉकडाउन के अंदर रहकर उनके सोशल सिस्टम्स और उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स ख़राब हुए जिसके बाद जब वो उससे निकले हैं तो दे आर अंडर स्ट्रेस एक ये दूसरा ये है कि उनकी मेडिकल अटेंशन जो लोग घरों में लॉकडाउन में रहे हैं और परे रहे हैं उनको मेडिकल अटेंशन इतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी तीसरा ये इट इज ट्रू कि कोविड से कार्डियक डैमेज हो सकता है और नॉट ओनली डैमेज हो सकता है रिएक्टिवेशन भी हो सकती है एंड इट इज आल्सो ट्रू कि वैक्सीन से कई कई महीने तक मैसेंजर आ प्रोड्यूस होता रहता है मेरे पास एक्चुअली वो स्टडी खुली हुई है यहाँ पर मुझे समझ नहीं है कि मैंने क्यों नहीं दिखा सका आपको कई कई महीने तक वैक्सीन जो आ रहे उसका वो लोकल नोट्स में रहता है के साथ लेटेस्ट स्टडी मैंने आपको दिखाई है कि कार्डियक टिश्यू अगर स्ट्रेस में जाए तो उसकी वजह से रिएक्टिवेशन होती है और वो एस टू बनाने शुरू कर देता है सेल जो हार्ट के हैं तो अगर उसका स्पाइक प्रोटीन फिर रही है ब्लड में में तो तो यस इट इट कैन कैन बाइंड विद एंड द कार्डियक इफेक्ट इफेक्ट दैट कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन के की के की वजह से हार्ट स्ट्रेस में आके मर रहे हैं वो, जी 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 वो हैं नहीं, है। नहीं ना हम नहीं बिल्कुल सही बात डॉक्टर सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूँ

उसको मजीद अब जरूरत नहीं है नंबर वन जरूरत नहीं बिल्कुल उनकी बॉडी में है इस तरह की कि, किसी को पहले एच नहीं थी अब हो गई है तो दैट मींस उनके सारे सेल उड़ गए देशमेंट ऑफ दून सिस्टम या कैंसर हो गया और बोन मैरो का कैंसर हो गया या कीमोथेरेपी दे दी

<laughs> देखिए अमेरिका में जो वैक्सीन के बूस्टर्स चल रहे हैं वो इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन से ज्यादा चल रहे हैं और मेडिकल रीजन से काम चल रहे हैं। जी आ, जी, जी मुलाजिम साहब कैसा सजाद साहब मुझे पता था आपका सवाल आ रहा है जी जी नहीं सर मैं थैंक यू वेरी मच मुलाजिम साहब एंड एक्सलेंट प्रेजेंटेशन मुबीन साहब ने बहुत अच्छा और खासकर जो मैं समझता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा जो उन्होंने उर्दू में समझाया है मेरे दो तीन सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा कि एक तो ये बता दीजिए कि क्या कोविड का ये जो वैक्सीन का या कोविड का कोई असर थायराइड के ऊपर भी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स खासकर यंग पेशेंट हाइपर के आ रहे हैं और वो सारी सिम्टम्स हैं जिसमें बॉडी एक है और वेट गेन है और सारी चीजें जो हाइपर थायराइडिज्म में होता है नंबर एक नंबर दो बात ये कि आपने लैक्टेशन में कहा कि दूध में मिल्क में चला जाता है ये तो आ, क्या प्रेग्नेंट वोमेन को हमने एडवोकेसी की कि जी बिल्कुल लगाएं लोगों ने पूछा कि क्या प्रेग्नेंट वोमेन है हाँ जी सबको लगाना है सबको लगाना है तो क्या प्रेग्नेंट वोमेन को लगाना चाहिए था उसका कोई असर है उसपे बच्चे पे या मदर पे और तीसरी बात यह है कि जो हमने वैक्सीन लगाया था एक्चुअली मैं भूल गया हूँ कि हमने चाइनीज वैक्सीन और कुछ लोगों ने यहाँ पे यहाँ सारी पाकिस्तान में तमाम वैक्सीन अवेलेबल थे वक्तन फवक्तन लेकिन मेजोरिटी लोगों ने पता नहीं साइनोफॉर्म था या क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ दो वैक्सीन थे एक साइनोफॉर्म और एक साइनोफॉर्म और एक और कोई पहले आई थी साइनोफॉर्म आई साइनोफॉर्म है और इसके अलावा फिर दूसरी वैक्सीन शायद हमारे पास वो भी आई थी और बाकी चीजें भी तो आ, आ, आपने ये बता दिया लेकिन ये जो है दो दो, दो चार चीजें और भी है लेकिन ये जरा प्लीज बता दें एक हाइपर टेंशन का, का की वजह है इसकी कोई वैक्सीन की या कोविड की और

ये जो स्टडी ऑक्सफोर्ड की आई है इसने बहुत सारे मैकेनिज्म्स को क्लियर किया है और उसकी वजह सिंपली ये है कि जब राइबोसोम स्लिप करता है तो जो हमारी प्रोटीन उसके बाद बनी वो प्रोटीन मैं अब आपको एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं और इस पर लाइट डालना चाहता हूँ विद दिस डायग्राम ये मेरी मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ इसलिए ये कलर्स इस बने हुए ये वाली डायग्राम अगर आप इसमें देखें तो ये जो आरएनए के सीक्वेंसेस हैं या न्यूक्टाइट के सीक्वेंसेज है ये स्पाइक प्रोटीन का एम का सीक्वेंस है इसमें जहां जहां स्टार नजर आ रहे हैं ये मेथिलेटेड यूरोडि हैं तो अब आपको देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा स्टार नजर आ रहे हैं ये जहां जहां स्टार हैं वहां पर राइबोसोम स्लिप हो सकता है लेकिन सबसे कॉमन जगह जहाँ स्लिप हो रहा है वो वहां है जहाँ पे कोई एक अमीनो एसिड सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी रिपीट आई है तो जैसे एक रिपीट यहाँ पर आई हुई है एक रिपीट यहाँ पर है एक यहाँ पर है यहाँ पर, पर जाके वो स्लिप होता है जब वो स्लिप होता है और प्लस वन एक से स्लिप होता है दैट इज प्लस वन फ्रेम शिफ्टिंग तो उसके रिजल्ट में जो प्रोटीन बनती है दिस प्रोटीन इज एन अनोन टिश्यू और अगर ये अनोन टिश्यू बना है तो इट कैन मिमिक एनी पार्ट ऑफ हर बॉडी कुछ भी हो सकता है जो मैं देख दिस कैन बी एनीथिंग अब ये किन किन हिस्सों को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोगों में क्या बढ़ा हुआ है जैसे आपने कहा थायराइड थायराइड का थाराइट का मैं ये देख रहा हूँ वो भी हो रहा है अब का अभी तक कोई स्टडी नहीं आई कि हो क्यों रहा है इज इट बिकॉज कि पिचुएट्री इन्फ्लेम करती है बिकॉज इसके अंदर एस टू एंजाइम है और जब आके इसके ऊपर वैक्सीन लगती है या स्पाइक लगती है तो ये स्वेल कर जाती है कि उससे सैलाटर्शिका के अंदर वो वो फंस के तो डैमेज होती है उसके बाद बाकी सारी चीज़ें खराब होने लग जाती हैं दैट इज वन पॉसिबिलिटी थायरॉयड हार्मोन के अपने कि डू वी डेवलप ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट बिकॉज वी डिवेल्प्ड मोलिकुलर मिमिक्री इट इज इंटायरली पॉसिबल इतने लोगों को थॉयॉयड के मसाइल होने लग गए इसी तरह से ड्रीनल के इसी तरह से जो न्यूरोन है न्यूरोनल टिश्यू डैमेज इतना आ रहा है स्पेशली माइलिन शीथ का डैमेज और इसके ऊपर स्टडीज भी हैं सो so, पहली बात यह कि जो आप सोच रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं यस दैट इज़ पॉसिबल ऑटोम्यून और एक और मैं इसमें अर्ज करता हूँ ए एन का जो इशू आ रहा है वो ये हो रहा है सपोज़ कीजिए ये थायराइड का सेल है और बिकॉज ऑफ वैक्सीन एंड इन्फ्लेमेशन ये सेल टूट गया जब वो सेल टूटा तो सपोज कीजिए ये टूटा हुआ सेल पड़ा हुआ है आपको इन चीज़ों को पता होगा माय अपोलॉजीज अगर मैं रिपीट करूँ जो पता है लेकिन जस्ट फॉर एवरी के अंदर से टूटा हुआ मटेरियल बाहर आ गया जब ये बाहर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इज ऑब्जर्विंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि इम्यून सिस्टम को सेल के बाहर की जो एपिटोप्स हैं वो तो पता होते हैं सेल के अंदर वालों के नहीं पता होते जब वो बाहर निकल आते हैं तो इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स क्रॉस रिएक्टिंग विद देम That is when anti-nuclear antibodies start getting produced, anti-DNA antibodies and so on. So, autoimmune issues for the pituitary, for thyroid, for adrenals, and for neuronal tissues are actually very common, and there are studies that demonstrate that. So, one to this question, your second question was pregnant women. Ke pregnant women's, which data, once again, you have to. प्रेगनेंसी का दिया जा रहा है कोई भी गलती हो सकती है चुनाचे जितना अभी तक जो डेटा है उसके मुताबिक प्रेगनेंसी पर भी इफेक्ट नहीं आता और बच्चे पर भी इफेक्ट नहीं आता तो ये है ऑफिशियल डेटा मैं खुद कभी मैंने प्रेगनेंट वन को मैनेज नहीं किया चुनाचे मुझे डायरेक्ट इफेक्ट का नहीं पता जो एक जी वाई भी कर सकती हैं लेकिन जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक देर इज़ नो इफेक्ट जो ये स्टडी है जिसमें वो मिल्क में एम की बात हुई है इवन उस स्टडी में उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ एम आर एन एज सोनीट वेट्स जी आई टी इट इज प्रॉब्ली जस्ट डिस्ट्रॉयड एंड इवन इफ इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इट प्रॉब्ली एक्ट्स एज ए जी आई टी वैक्सीन सो बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा तो है नहीं तो क्वेश्चन जो आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग किया जो मैंने सोचा नहीं पहले वो ये है कि प्रेग्नेंट में अगर लेट से कि हमने एल एन पी दिए लिपिड नैनो पार्टिकल्स दिए ये लिपिड नैनो पार्टिकल उसके शोल्डर से खातून के दे आर रनिंग अराउंड इन द बॉडी ब्रेस्ट मिल्क तक भी पहुंचे राइट right? अगर वहां पहुंचे तो क्या ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके तो बेबी तक पहुंचे कि नहीं देर इज नो स्टडी फॉर दिस और आई आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों स्टडी नहीं है अगर आप किसी को वैक्सीन दें तो आप उसके बेबी को तो नहीं ना उसके टेस्ट कर सकते हैं कि मैं इसका बेबी का टिश्यू लेना चाहता हूं टू सी तो इसलिए यहां पे स्टडीज कोई नहीं लेकिन दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं जी जी बिल्कुल सही है इसमें एक चीज और बता दें कि ये जो चाइनीज वैक्सीन था वो वो आरएनए आरएनए नहीं था ना चाइनीज वैक्सीन नहीं मैसेंजर 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 वायरस था, था, था। करेक्ट अच्छा जी बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल फाइनोफार्म और एक हमारे पास आया था जिसको पाकिस्तान ने बनाया था लेकिन वो अटैनोयर कैनसिनो पाकिस्तान अच्छा वो ये कौन कौन से जरा रिकॉल करेंगे क्या जो एम वैक्सीन था क्या था वो मोडोना था और दूसरा फाइजर तो... की थी फाइजर की थी ये दो तो... थे एम और बाकी जितने भी मिले ना वो हमें एडिनोवायरस वायरस साइनोफार्म साइनोपैक्स स्पॉटनिक और कैंसिनो पाकिस्तान में जो आई थी एस्ट्राजेनिका पाकिस्तान में हाँ एस्ट्राजेनिका भी आई थी थोड़ी देर के लिए डॉक्टर मुबीन I only wanted to know क्या कोविड हो जाता है, क्या भी क्या भी मिल जाती है या से, मुझे आज कोविड uh, हुआ अगर मैं उसके बाद रिकवर हुआ और मैं हेल्थी हूँ तो इट ड मैटर की मुझे हर साल कोविड हो जैसे मैं गला खराब होता है और कोविड आपने देखा है कि लेटेस्ट वेरिएंट वैसे भी वापस गले की तरफ ही जा रहा है जो कि बाकी कोरोना वायरस किया करते थे तो अगर तो हुआ और मैं ठीक हो गया तो देर इज नो प्रॉब्लम लेकिन अगर मुझे हुआ मैं ठीक हो गया मेरे जिसम ने लर्न कर लिया उसके बाद मैं डिटेरिट हो गया फॉर अदर रीजन तो फिर दोबारा खदशा उसका हो सकता है तो फिर वैक्सीन लगवाई जा सकती डिड आई आंसर योर क्वेश्चन या आपने कुछ और पूछा था हाँ जी ठीक है 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 मतलब मैं हो गई अच्छा आपको इसका भी जी जी, बताता जी, जी जी, जी, जी तो है, जी, ये अब एक इंटरेस्टिंग बात है चूंकि हमें पता है कि ये कोरोना वायरसेस इवन हमारे गले में भी रहते हुए हर साल हमें इन्फेक्ट कर देते हैं कि तो जो कोविड है वो भी ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट तो करेगा तो दैट मीन्स के अगर हमें आज हुआ है तो दो साल बाद तीन साल बाद दोबारा हो सकता है कुछ महीनों बाद दोबारा हो सकता है वैक्सीन जो है इनका देखा गया है कि ये कम अज कम दो तीन साल सवियर से प्रोटेक्ट कर लेती है लेकिन आपने देखा है एफिकेसी इनकी भी उतर जाती है अगर यस yes, अगर कोविड हो गया है और आप रिकवर हो गए तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है इवन इन कमिंग ईयर्स अच्छा इसमें मुबीर साहब एक चीज बताइए कि लाइक मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे कोविड भी हुआ और हमने जो बेसिकली एक साइनोफॉर्म लगाया उसके बाद फिर उसका बूस्टर लगाया साइनोफॉर्म का और उसके बाद फिर आ, फिर एक और मेरे ख्याल में चार हमने साइनोफॉर्म के लगाए हैं छः महीने बाद एक बूस्टर लगा दिया आज तो और कोविड और भी हुआ है मुझे तो आपने दो तीन बातें ऐसी की है कि मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ अच्छा। वॉक करता हूं मैं वॉक भी करता हूँ अच्छा। कभी कभार मैं रनिंग भी करता हूँ लेकिन मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ जस्ट आई पुट माय माय सेल्फ एज एन एग्जांपल कि मैं अपने आप को देखता हूँ वो मेरी इसमें रेजिस्टेंस वो नहीं रही जो मैं जो मैं करता था नंबर वन नंबर टू बात ये कि जैसे मैं रनिंग करना शुरू कर थोड़ा सा भी करता हूँ तो मैं जल्दी ब्रेथलेस हो जाता हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं सीढ़ी जो चढ़ता था स्टेयर्स करता था पहले नहीं होता था लेकिन ये वैक्सीनेशन के बाद मुझे शायद फील हो बातें सुन के ये बाते सुनके भी मैं सोच रहा हूँ या रियली ऐसे लेकिन ये हो तो रहा है मेरे साथ जल्दी ये एक्चुअली वैक्सीन इंजरी में आ सकता है डिपेंड करता है कि कितनी इसकी इंटेंसिटी है मैं आपको उसमें एक अच्छी न्यूज देता हूँ दिस इज एक्चुअली ऑफ़ द वैक्सीन इंजरी वेल एंड दिस कुड बी कोविड कोविड लॉन्ग वेल द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप कुछ भी ना करें तो ये रिकवर होता रहता है दैट इज गुड न्यूज वी कि जब स्पाइक प्रोटीन डैमेज करती हैं तो टिश्यू एक्चुअली रिकवर करते रहते हैं मसला जो है वो यह कि जब पेशेंट को महसूस होता है कि ये मुझे तंग कर रहा है मैं पेल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं या मैं ब्रेथलेस हो जाता हूं या मैं सीढ़ियां चलो जिसम भारी महसूस हुआ या टांगे थक गई हैं तो पेशेंट अपने आप को और एग्जर्ट करने लग जाता वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं ठीक हूं सो दे ट्राई टू डू इट एबल मोर द ओनली सोलूशन इज टू स्टार्ट पेसिंग स्लोअर नॉट टू स्टॉप इट लेकिन आपने आपको को स्लोली दोबारा से बिल्डअप करना शुरू करें यू गिव इट सम टाइम मैं अग, अगर आ, मुलाजिम साहब इजाजत दें किसी दिन तो बेशक नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में हम एक आखिरी आखिरी कर... सेंचुरी वाला आपसे जो सेंचुरी है ना सेंचुरी वाला आपसे करवाना है ये तीन वक्त छोड़ के इनशाला जी कि ये अगर एम एस सी -E एफ एस टाइप सिम्टम्स आ जाएं जैसे आप कह रहे हैं तो फिर करना क्या चाहिए वट इज दिस थेरेपी फॉर दिस अब ये जो आप अगर पीटर मुकला साहब के चले जाएं तो वो अपना बेच रहे हैं चीज़ें तो मैं आपको वो स्टडीज शेयर कर दूँगा कि किन स्टडी से लोगों ने एक्चुअली बेनिफिट देखा है और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ uh, कैसर साहब के अगर आप uh, एक तो फिश ऑयल लेना शुरू कीजिए और दूसरा कोशिश करें अपनी इनफ्लैमेटोरी मार्कर्स करवा लें जब हमारी दोबारा बात हो तो मैं आपसे वो पूछ लूँगा तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर करने के बाद विल डिस्कस के क्या करना है लेकिन दिस इज ए साइन ऑफ आइदर वैक्सीन इंजरी और लॉन्ग कोविड या ए कॉम्बिनेशन ऑफ दम को आपने ये भी बताना है कि ये 18 साल के कैसे हो जाए अगली दफा ठीक <laughs> है ये नबील ये प्रोफेसर नबील 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 नजीब सॉरी फ्रॉम प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम बहावलपुर डॉक्टर न... नवीद नजीब अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है अल्लाह का करम सर है। एक तो बहुत अच्छा जबरदस्त लेक्चर बड़ा मजा आया okay. एक छोटा सा सवाल था डॉक्टर का कैसे सजाद से ही रिलेटेड है मेरा भी इशू आई एम जस्ट फोर्टी वन ईयर ओल्ड ना मेरी मिसेज थर्टी सिक्स की है तो सर हमने okay. ना एक चीज ऑब्जर्व की है शी इज आल्सो डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट है ये जब हमें कोविड हुआ तीन साल पहले उसके बाद वैक्सीनेशन हमने दो चाइनीज लगवाई और तीसरी फाइजर की बूस्टर डोज था अब सर हेल्थ स्टेटस वो नहीं है सेम वो जो कैसर साहब वाली बात है मतलब फ्लिटरली फील होता है कि जब एग्जर्शन करते हैं ना तो जल्दी थकावट हो जाती है स्टेयर चढ़ते हैं जल्दी थकावट हो जाती है मेरे पेरेंट्स को भी हुआ उनका भी मतलब देयर इज डिफरेंस तो अब ये आया कि इसको हम रिलेट करें कि ये वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं या एज शायद अब कम होती जा रही है बुरा होता जा रहा है या फिर आ, ये है कि वो कोविड के बाद हेल्थ स्टेटस ऐसा नहीं रहा तो जैसे सर ने भी कहा है कि एम आर एन ए के जो है साइड इफेक्ट ज्यादा है फाइजर वाली के और वो, वो, वो चाइनीज नस्बता सेफ थी तो वो एम आर एन ए वाली भी एक गई हुई है अंदर तो उसको को काउंटर पार्ट जैसे वो डॉक्टर मकल्ला ने कोई स्पाइक वाला जो है सप्लीमेंट निकाला है कोई इस टाइप की चीज लेने की जरूरत है या

तो मैंने आपसे बात करते हुए इसे खोला है। ये स्टडी है देखिए ट्वेंटी दिसंबर डिसम्बर रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर पेंडेमिक ड्यू टू द परसिस्टेंट सास को टू इन्फेक्शन यूजिंग अ थ्री डायमेंशनल कार्डियक मॉडल ये पहली स्टडी है जिसमें उन्होंने एक्चुअली दिखाया है प्रूफ करके दिया है कि पॉसिबल होता है कि बस का वायरस बैठा रहे अगर ये पॉसिबल है कि अंडर स्ट्रेसफुल स्टेट वायरस रिएक्टिवेट हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है रिएक्टिवेशन की रीज़न है कि एस टू बनना शुरू हो जाता है प्लस जीनोमिक रिएक्टिवेशन है अगर एस टू बन रहा है तो फिर अगर वैक्सीन की वजह से भी है तो वो भी स्ट्रेस कर सकता है और वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इन्फ्लेम कर सकता है तो एक प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि फिश ऑयल लें करक्यूमिन लें विद मिल्क और अपनी इन्फ्लेमेशन को कोशिश करें कम करेंटोरी तो बार बार नवीद ने जो कहा है कि मिसाल के तौर पर पे एक पेशेंट है उसने कोविड वैक्सीन ली और उसको उसके हार्ट पे इफेक्ट हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डोज कम होती गई और वो रिकवर होता गया होता गया होता गया फिर उसको कोविड हो गया तो क्या वो नया कोविड जो है उसकी भी स्पाइक प्रोटीन उसके जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट था उसको पोटेंशिएट कर सकती है या नहीं कर सकती गुड क्वेश्चन जवाब देता हूँ स्टडी में इन्होंने कहा कि जी हार्ट के मॉडल में कोविड अगर पहुंच जाए हार्ट तक तो नुकसान करता है और कर सकता है हाउ एवर गुड न्यूज इज दिस जब हम को कोविड होता है जो माइल्ड सा होता है तो वो हार्ट तक जाता ही नहीं सो so, यस yes, अगर कोविड हो और वो हार्ट तक एक्सेस कर सके तो वो डैमेज कर सकता है लेकिन right. ज्यादा लोगों में वो हार्ट तक जाता ही नहीं hmm. 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 जी डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर राशिद थैंक यू लास्ट क्वेश्चन टाइम इज टू मच राइट सर ये मेरा सिर्फ ए सी टू रिसेप्ट के बारे में है ये स्ट्रेस में आपने बताया कि आप रेगुलेट होते हैं एक्सरसाइज में भी होते हैं मैं नॉर्मल बंदों की बात कर रहा करूँ जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं तो उसमें भी जाहिर है ये रेगुलेट होते हैं तो ये इस चीज़ का नुकसान स्पोर्ट्स मैन को नॉर्मल बंदों को क्यों नहीं होता खासकर अगर खास कर अगर वायरस फैल रहा है तो डिपेंड करता है कि उनके टिश्यूज में कोविड गया या नहीं जो इनिशियल उनकी इन्फेक्शन थी वो कितनी सीवियर थी

Which so, ये 2 का है. तो जब भी आप स्ट्रेस में चाहे इंटेंशनल तो एस टू की ब्लड वेसल्स इन रेड्यूसिंग इन्फ्लेन तो अब उसमें अगर स्पाइक प्रोटीन नहीं मौजूद तो एस टू अपना काम करेगा एनजीओटें टू के साथ मिलकर जो उसका नॉर्मल फिजोलॉजिकल एगिस्ट है उसके साथ काम करेगा या लाइग एंड है अगर कोविड बैठा हुआ है या स्पाइक बैठी हुई है तो वो आके जब इसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो देन वी हैव अ प्रॉब्लम एक सवाल है डॉक्टर मालिकुलर जेनेटिक्स वी गो फॉर एन जी एस फॉर दोड विद एम आर एन एन जी एस स्टैंड फॉर सर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग अच्छा देखिए जो अभी तक जितनी भी स्टडीज है ये बड़ा ही शुरू में एक बड़ा रोला पड़ा था ये इसमें शुरू किया था टेन पेनी ने कि हमारा जो डीएनए uh, है वो मॉडिफाई हो जाएगा तो डीएनए मॉडिफिकेशन की आज तक कोई भी, भी किसी भी कोई भी वो एविडेंस नहीं है राइट right? हाँ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सिक्वेंस से ये देखना चाहें कि क्या एम आर एन ए अभी तक मौजूद है या नहीं विच कैन बी प्रेजेंट इन दीटोप्लाजम तो दैट कैन बी चेक्ड लेकिन डीएनए के अंदर आज तक साबित नहीं हो सका कि ये इंटीग्रेट हो रहा है व्हाट वी कैन दैट द सेम शिफ्ट म्यूटेशन जी डॉक्टर बज़लारोबी इनफर्टिलिटी के बारे में आपका सवाल हो गया जो कि इनफर्टिलिटी की ऐसी नहीं मिली As, uh, और जी Infer क्या फर्मा रही बट वी हैव टू केसेस फॉर इनफर्टिल इनफर्टिलिटी बट वी डिडंट स्टडी फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम दो वी आर कंडक्टिंग द स्टडी हम्म

उसकी हमने डोज लगवाई और फिर इसके बाद मोडर्ना की डोज लगवाई और फिर एक दफा अमेरिका जाना पड़ा तो फिर हमने फाइजर लगाई मेरा ख्याल है मैंने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें लगवा ली हैं अल्हमद ठीक है।, है ना ही दिल दे, भी ठीक है दिमाग भी ठीक है कुत भी ठीक है जॉइंट्स भी ठीक है मेरा नहीं ख्याल के सर uh, आपकी इस बात से काफी तसल्ली हो गई है अब वो जो भी जिस भी इस कैटेगरी भी आएगा ना, वो अब नहीं जब हम पहली डोज लगवा रहे थे मैंने और जवेद अकरम साहब ने और तारिक वसीम ने लगवाई तो हम एक दूसरे को देख रहे थे कि हम तीन दिन बाद एक दूसरे को मिलेंगे भी सही या नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तौर पर जब हम आगे ना आते तो लोग ना लगवाते फिर मैंने साइनोफार्म लगवाया साइनोफार्म के बाद मैंने मोडाला उसमें हंड्रेड माइक्रोग्राम होता है वो बहुत हैवी डोज होती है और उसके बाद फाइजर की भी लगवाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है ना हार्ट को प्रॉब्लम है दिमाग को प्रॉब्लम है डॉक्टर मोहिंद के साथ डॉक्टर मोहन के साथ हमारी पब्लिकेशन भी है और उसके ऊपर हमने डिफरेंट वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन भी लिखी Inshallah, uh, we will have a, a, a century uh, lecture on the how to deal with the side effects of the COVID vaccine. Over to you, Professor Salma. Kundi, time is almost two hours. I think. we yeah, didn't uh, you know. We are sitting in the class, discussing. MashaAllah, uh, many students were, many people who took advantage of uthaya. Over to you, uh, Doctor Salma Kundi, to conclude today's session. Thank you.

आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल डॉक्टर मुबीन फॉर योर एक्सलेंट एंड वेरी इनफॉर्मेटिव प्रजेंटेशन वॉट वी कॉलर और प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त कस्म का था एंड आई होप कि जिनको कोई मेडिकल uh, टेक्नोलॉजी या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में वो बाद में आपने जो बहुत अच्छा आपकी उर्दू है और उर्दू बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया तो ऑन द पाकिस्तान के थ्रू uh, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार ऑल द पार्टिसिपेंट जितने भी लोग यहाँ पर शरीक हुए मैं उम्मीद करूंगा कि उनको बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं पता थी वो पता हो, हो गई हैं और ये हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं तो आई होप की ताला मुलाजिम साहब रिक्वेस्ट करेंगे मुबीन साहब से ये सिलसिला जारी रखें एक दो और इसके में अरेंजमेंट करेंगे इनकी प्रेजेंटेशन के लिए तो थैंक यू वेरी मच और आखिर में मुलाजिम साहब और डॉक्टर सलमा कुंडी का बहुत शुक्रिया कि ये डे वन से इस वेबिनार को अरेंज करने में सारी उसकी जो भी अरेंजमेंट की जो मुश्किलात होती हैं उसको झेलने में उनका बहुत शुक्रिया कि वो इनकी वजह से हम ये वेबिनार इस सेंचुरी तक पहुंच रहे हैं थैंक नेक्स तो तो यू नेक्स्ट वीक थैंक यू डॉक्टर मुबीद मुझे लगता है दो बज गए होंगे रात के अल्लाह आपको सुकून दे अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे बहुत शुक्रिया आमीन आमीन आप सबको